दर्पण में सिया राम राम है, तू ही सिया का राम, राधा का तू ही शाम, जन्मों जन्म का ही ये साथ है, मीरा का तू भजन, भजते हरि पवन, तुलसी में भी लिखी ये बात है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, मंगल ठीक आ रही है। हाँ जी, एक बारी प्लीज चेक करके बताएंगे। मैं आप लोगों को देख के ना एक्साइटेड हो जाता हूं और भजन बंद करना भूल गया मैं। हाँ जी, अभी क्लियर है। मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने कहा आज शाम को 6 बजे वी ऑल आर कमिंग, पूरी टीम आ रही है हमारी लाइव ऑन यूट्यूब, जिस पर हम आपको देंगे अपना नया शेड्यूल, ठीक है ना। रिवीजन का नया शेड्यूल आ रहा है और उस नए शेड्यूल के अंदर एक्चुअल में क्या शेड्यूल होगा वो तो मैं आपको शाम को 6 बजे बता ही देंगे हम लोग, लेकिन उसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अब से मेरी आपके साथ डेली क्लास होगी, डेली, ठीक है ना, डेली क्लास होगी और
टाइम ड्यूरेशन भी ऐसा नहीं है एक घंटे की होगी, मिनिमम 2 से 2.5 घंटे की क्लास होगी, वो भी रोज, ठीक है। एंड डेली मैं आपके साथ 2 या 3 चैप्टर छोटे छोटे वाइंड अप करूंगा या बड़ा 1 चैप्टर वाइंड अप करूंगा, ठीक है ना। और वी विल मेक श्योर कि इस बार जो है ना आप लोगों को जब पेपर में आप जाओ ना तो आपको ऐसा लगे कि भाई साहब जो हमने पढ़ा है ना सब कुछ एज इट इज पेपर में आया, ठीक है ना। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस बार के एग्जाम के अंदर, जब आप पेपर में जाएंगे तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज आपको लगेगा कि यस जो जो हमने पढ़ा वो एज इट इज पेपर में पूछा गया है। चलो वेरी गुड। तो सर वर्किंग कैपिटल के आंसर नहीं मिले, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, चलो कोई बात नहीं, वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि आज हमारा जो सेशन है दैट इज फॉर कैपिटल बजटिंग एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आज मैं कैपिटल बजटिंग खत्म कराना है। रात को 8 बजे मैं आ रहा हूँ लाइव फिर से कैपिटल मार्केट के अंदर, ठीक है ना। आपका SLCM का जो सब्जेक्ट है उसमें कैपिटल मार्केट विद नोट्स, मैं आपको नोट्स भी दूंगा, स्कैनर भी कराऊंगा, सुन लो ध्यान से, नोट्स दूंगा, स्कैनर कराऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा डेरिवेटिव के, ऑप्शन एंड फ्यूचर्स के, म्यूचुअल फंड के। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो जितनी भी टेक्निकल टर्म्स हैं, जितनी भी टेक्निकल टर्म है लाइक आसबा, UPI, मार्केट सर्विलेंस, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है ना, ICDR के अंदर भी कुछ 1-2 रेगुलेशंस जो मुझे लगता है कि आपसे कहीं पर भी पूछी जाती है, तो वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रात को 8 बजे, ठीक है जी। तो रात को 8 बजे कैपिटल मार्केट की क्लास है, ठीक है। और वो चलेगी कब तक सर? देखिए मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट शेयर करूंगा, जब तक वो असाइनमेंट खत्म नहीं होगा हम क्लास चलाएंगे। वी विल बी डूइंग ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द स्कैनर, स्कैनर में जितने भी क्वेश्चंस कैपिटल मार्केट पे आए हैं, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है जी। तो बने रहिएगा रात को 8 बजे, ठीक है जी, रात को 8 बजे। आज GD सर की नहीं है बेटा, सॉल्यूशन किस चीज के बेटा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ स्टडी का भी टाइम दे देंगे, चिंता मत करो यार। अच्छा वो 41 तक मैंने सॉल्यूशन दे दिया था शायद, है ना। तो रेशियो एनालिसिस के 41 तक मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिए थे, बाकी के सॉल्यूशन जो है वो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर कर दूंगा, ठीक है, चिंता नहीं। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं, ऊपर हेडिंग डालो जरा कैपिटल बजटिंग। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग में से थ्योरी क्या आती है, ठीक है, फिर उसके बाद इसका हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। लिखो सारे वेरी गुड, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग, पहले थ्योरी एंड देन प्रैक्टिकल, पहले थ्योरी एंड देन प्रैक्टिकल। अच्छा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसे ही आज कैपिटल बजटिंग खत्म होगा इमीडिएटली आफ्टर द क्लास आई विल बी शेयरिंग द स्कैनर ऑफ कैपिटल बजटिंग, ठीक है ना, स्कैनर ऑफ कैपिटल बजटिंग में शेयर करूंगा, और उसके बाद आप प्लीज उस स्कैनर को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं दैट मींस आपका कैपिटल बजटिंग जैसा बड़ा सब्जेक्ट जो है वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर कोई पूछे व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, तो लिख लीजिए ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। हाँ जी सब ने साथ साथ नोट करना है मेरे, कैपिटल बजटिंग इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? इट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है जी। और इसमें हम लोग बेसिकली क्या सीखते हैं कि हाउ टू सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है जी। तो पहले मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है जी। इसको ना हम एक और नाम देते हैं, लिख लीजिए एक और नाम हम देते हैं, लिख लीजिए इन कैपिटल बजटिंग वी टेस्ट whether a project is financially viable or not। मतलब देखिए जितने भी private entrepreneurs होते हैं,
है ना, जितने भी प्राइवेटली काम करते हैं, जैसे अगर मैं कोई धंधा कर रहा हूं या आप कोई बिजनेस करोगे, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि क्या इस प्रोजेक्ट में क्या फाइनेंशियली ये वाइबल है या नहीं। अब कोई भी प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वाइबल कब होता है कौन बताएगा? हाँ जी, कौन बताएगा कब एक प्रोजेक्ट को आप फाइनेंशियली वाइबल बोलते हैं? हाँ जी, कोई बता सकता है? कोई भी प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वाइबल कब होता है? जब उस प्रोजेक्ट के रिटर्न्स आर मोर देन उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कि अगर आपके प्रोजेक्ट रिटर्न्स ज्यादा हैं किससे? उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो हम कह देते हैं कि यस द प्रोजेक्ट जो है दैट इज वाइबल। वाइबल समझ रहे ना? हाँ जी, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो फाइनेंशियली हमारे लिए अच्छा है या नहीं। ठीक है ना, फाइनेंशियली आपको याद होगा हम लोगों ने ना एक प्रोजेक्ट प्लानिंग का चैप्टर पढ़ा था जिसमें हम पढ़ते थे फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी में हम लोग चेक करते थे इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, मार्केट फिजिबिलिटी, याद आ रहा है कुछ, टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोलॉजी फिजिबिलिटी, तो उसमें एक होता था फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। तो बेसिकली फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ एनी प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज फाइनेंशियल फिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसको हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। तो कभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो, तो डेफिनेटली हमारे लिए ये जानना जो बहुत जरूरी है कि क्या वो प्रोजेक्ट हमारे लिए फाइनेंशियल फिजिबल है या नहीं है। एक बार मेरे साथ दोबारा बोलेंगे, क्या चेक करना है आपने? वेदर वो प्रोजेक्ट आपके लिए फाइनेंशियल फिजिबल है या नहीं, ये आपको चेक करना होता है। समझ आ गया जी? क्या टेस्ट करना होता है? वेदर अ गिवन प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली फिजिबल और नॉट, क्या ये आपको टेस्ट करना होता है। और इसी चीज के टेस्ट करने के तरीके को क्या हम यहां पे कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। वेरी गुड। साहिल कह रहा है सर ये क्या पढ़ा रहे हो? साहिल, कैपिटल बजटिंग मेरे बच्चे, अब लिखो जरा आगे, आगे लिखेंगे जरा। इससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपको पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो आपने मेरे साथ साथ मेजर मेजर पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है? मेजर मेजर पॉइंट्स लिखने हैं, और जहां मुझे लगेगा कि आपको वो समझाना है तो डेफिनेटली मैं आपको वहां पर समझा दूंगा, ठीक है जी? तो कई बार ना पेपर में इससे रिलेटेड थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। स्क्रीन ब्लर है बेटा, अपना ना रेजोल्यूशन चेंज करो। एक बार बताना बेटा सारे बच्चे, स्क्रीन ब्लर आ रही है, सही आ रही है? सारे बच्चे प्लीज कंफर्म करेंगे स्क्रीन ब्लर तो नहीं है। चलिए तो श्री गणेश करते हैं इसका। लिखो जरा सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। हम कह रहे हैं कि भैया किसी भी कंपनी में कैपिटल बजटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब क्यों करनी है? सवाल यह है कि इसको करने का बेनिफिट क्या मिलेगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जैसे ही दिमाग में कैपिटल बजटिंग आता है ना, इसकी प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है समझिए। ये बजटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आप सबको मालूम है ना, बजटिंग का मतलब प्लानिंग होता है। तो मेरा क्वेश्चन है व्हाई बजटिंग इज रिक्वायर्ड, व्हाई प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। ऐसा क्या वजह है कि जिसकी वजह से हमें बजटिंग करनी पड़ रही है, प्लानिंग करनी पड़ रही है? तो लिखो सबसे पहली वजह है लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन। देखिए जितने भी ये वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके अंदर जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो इंस्टेंट नहीं होते बेटा। इसमें अगर आपको प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा ये आपको फ्यूचर में पता चलता है, तो इसका इंप्लीकेशन बहुत देर बाद आता है। इसीलिए ऐसी कोई भी चीज जिसका इंप्लीकेशन लॉन्ग टर्म हो, क्या उसे प्रॉपरली प्लान करना बहुत जरूरी है? मुझे बताओ आप लोगों ने, हां जी आप लोगों ने शादी करनी है, है ना? अब मुझे बताओ शुरू में 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तो बड़ी अच्छी ट्यूनिंग होती है ना, लेकिन आप मुझे बताओ शादी का इंप्लीकेशन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? यानी कि इसके अंदर कब पता चलता है कि सामने वाला पार्टनर हमारा सही है? जल्दी बताओ, क्या ये लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन है? इसीलिए शादी का डिसीजन भी क्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, यस और नो? हाँ, ये वाली कहानी जल्दी समझ आती है आपको, ये जल्दी समझ आ जाती है।
बच्चा कहता है अच्छा अच्छा ये आपने सही कहा, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन का मतलब होता है जिसका इम्पैक्ट आपको इंस्टेंट ना दिखे, जिसका इम्पैक्ट आपको कब दिखेगा, आने वाले समय में दिखेगा, लॉन्ग टर्म में दिखेगा, तो क्या उसे हम यहां पर नाम दे रहे हैं लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। ठीक है जी, तो पहला रीजन क्या है, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। दूसरा लिखेंगे इन्वॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। देखिए कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है यू आर पुटिंग ह्यूज फंड इन अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। अब आप मुझे बताओ जहां पर हैवी अमाउंट रिक्वायर्ड है आपको ये लगता है कि वहां पर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल सर। तो प्लानिंग नंबर वन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन है। प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है। प्लानिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। नाउ व्हाट इज इरिवर्सिबल, कहते हैं इतना ह्यूज अमाउंट लगाने के बाद आप बैकआउट नहीं कर पाओगे। अगर आप जबरदस्ती बैकआउट करोगे तो यू विल बी इनकरिंग ह्यूज लॉसेस। तो इस वजह से कैपिटल बजटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन माना जाता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसकी प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो पहले बताओ रीजन नंबर वन क्या है, इट इज हैविंग लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन। दूसरा, वेरी गुड, इसमें ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड। तीसरा, इट इज इरिवर्सिबल नेचर। चौथा, आप मुझे बता दो क्या इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। हाँ, जहां लॉन्ग टर्म आएगा क्या वहां अनसर्टेनिटी आएगी, जहां अनसर्टेनिटी आएगी वहां पर रिस्क भी आएगा। यस, तो इट इज इन्वॉल्विंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। याद रखना लॉन्ग टर्म, जहां पर भी लॉन्ग टर्म आता है ना वहां पे अनसर्टेनिटी आ जाती है, जहां अनसर्टेनिटी आती है वहां पे लेवल ऑफ रिस्क आ जाता है। तो इसीलिए इसको यहां पर क्या बोलते हैं कि इट इन्वॉल्व्स ह्यूज रिस्क एंड ह्यूज अनसर्टेनिटीज। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। और लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इज डिफिकल्ट टू मेक। देखिए कैपिटल बजटिंग डिसीजन आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय क्या आप लोगों को बहुत सारा फ्यूचर फोरकास्ट करना पड़ता है, और फ्यूचर फोरकास्टिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट या मोस्ट डिफिकल्ट इन आर लाइफ। याद रखना सबसे ज्यादा डिफिकल्टी क्या है, किसी भी चीज को फोरकास्ट करना। तो इस वजह से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? चलो अब मैं फिर से रिपीट करूंगा, आराम आराम से यहां पर हाईलाइट करके लिख लीजिए इंपॉर्टेंस। सबने अब इसको क्रक्स बना के लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। देखिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं बता दूं, ठीक है ना, आपके पेपर में थ्योरी भर भर के आती है, इसीलिए सारे पॉइंट समझा के और उसको मैं लिखवा भी रहा हूं ताकि उसको आप एक बार फाइनल कहीं पे लिख लीजिए, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे बेटा। ठीक है जी, तो लिखो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग में नंबर वन। मेरे साथ साथ मेरे को याद कराते रहो, मैं भी भूल जाऊंगा। हाँ जी, वेरी गुड, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, क्या बात है, वेरी गुड। ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड, वेरी गुड। फिर तीसरा बताओ, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, वेरी वेल डन। हाँ जी, चौथा बताओ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये इरिवर्सिबल होता है? इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, एक बारी डिसीजन ले लिया तो ये आपके लिए संभव नहीं होगा कि आप इससे बैकआउट कर सको। मेरी बात समझ आ रही है, यू विल नॉट टेक बैकआउट फ्रॉम दिस अगर एक बारी डिसीजन ले लिया तो। क्या सबको क्लियर है या नहीं? वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। तो हमारा पहला प्रश्न इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, क्या समझ आ गया जी? बेटा कोई बच्चा ना यार सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में नोट्स बना देना, ठीक है, मैं आपको लिखवा रहा हूं, और फिर वो नोट्स मुझे शेयर कर देना सो दैट आई कैन गिव टू दी अदर पीपल जिनको यहां पर हेल्प हो सके। ठीक है जी, लिखो जरा रैशनेल बिहाइंड। रैशनेल का मतलब होता है जब भी आप कैपिटल बजटिंग करते हैं तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रीजन क्या होता है, रैशनेल। भैया कैपिटल बजटिंग करते समय क्या होना चाहिए? देखिए कई लोग कैपिटल बजटिंग करते हैं विद एन इंटेंट टू इंक्रीज द रेवेन्यू, कुछ लोग कैपिटल बजटिंग करते हैं विद एन इंटेंट टू सेव द कॉस्ट। आप समझ रहे हैं, मुझे बताओ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में क्यों जा रहे हो भाई? या तो अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, या खर्चों को कम करने के लिए, या टैक्सेस को सेव करने के लिए, सो देयर कुड बी एनी रीजन, तो उसको बोलते हैं रैशनल। तो रैशनल का मतलब होता है जब भी हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं तो उसके पीछे का रैशनल मतलब ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्या सबको क्लियर है या नहीं? यस प्लीज। तो लिखो, पहला है, लिखो
इन्वेस्टमेंट डिसीजन अफेक्टिंग रेवेन्यू, यानी कि कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऐसे होते हैं जहां पर इंटेंशन क्या हमारा रेवेन्यू होता है, यानी कि हमारा सीधा सीधा इंटेंशन क्या है कि हम ये वाला प्रोजेक्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, हम अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। क्या सबको क्लियर है या नहीं? हाँ जी बताओ, पहला इंटेंशन क्या है? टू इंक्रीज योर रेवेन्यू। दूसरा क्या है? कैप इन्वेस्टमेंट डिसीजन विद एन इंटेंट टू रिड्यूस योर कॉस्ट। तो ये दो मेजर डिसीजन होते हैं। मुझे बताओ पहला क्या है? या तो हम रेवेन्यू बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर हम खर्चों को कम करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तीसरा देखेंगे टेक्टिकल। टेक्टिकल का मतलब होता है कि देखो दो होते हैं, एक होता है स्ट्रेटेजिक और एक होता है टेक्टिकल। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है कि आप हो सकते हैं कि अपना पूरा का पूरा बिजनेस का मॉडल बदल रहे हो, एक नई प्रोडक्ट लाइन ऐड कर रहे हो। मेरी बात समझ में? तो ये क्या है? स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है जो कि बहुत बड़े लेवल पे हो रही है, जिससे हो सकता है कि आपका एग्जिस्टिंग लेवल पूरा चेंज हो जाए। और टेक्टिकल का मतलब होता है छोटी मोटी। छोटी मोटी यानी कि जो मैं कर रहा हूं वो तो मैं कर ही रहा हूं, और उसके साथ एक नई मशीन ले ली या एक बेच दी, दूसरी नई ले ली। तो और अगर मैं कहूं कि मैंने पूरा प्लांट लगाना है, पूरा प्लांट नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो मुझे बताओ क्या ये स्ट्रेटेजिक बन जाएगा? यस। तो याद रखना स्ट्रेटेजिक जब मैं बोलता हूं कौन रहेगा? व्हाट इज स्ट्रेटेजिक? आपने बताना है मुझे व्हाट इज स्ट्रेटेजिक। जल्दी बताओ फटाफट से व्हाट इज स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक का मतलब छोटा मोटा या बहुत बड़ा चेंज? बड़ा चेंज। टेक्टिकल का मतलब छोटा मोटा चेंज। वेरी गुड। अब देखो यहां पे जरा लाइन पढ़ना मेरे साथ। वो कहते हैं कि अगर ये टेक्टिकल है, टेक्टिकल का मतलब होता है रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड, यानी कि जहां पर आपको फंड रिक्वायरमेंट थोड़ी छोटी होती है, जहां पर आपकी फंड रिक्वायरमेंट क्या होती है? थोड़ी छोटी होती है, उसको बोलते हैं टेक्टिकल। उसको क्या बोलते हैं? टेक्टिकल, ठीक है। एंड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द मेजर डिपार्चर, ठीक है ना। इसमें कोई बहुत ज्यादा मेजर डिपार्चर्स नहीं होते, छोटा मोटा फंड जाता है, एक नई मशीन ले ली मैंने, तो इस तरह के डिसीजंस को टेक्टिकल बोलते हैं। स्ट्रेटेजिक बहुत खतरनाक होता है भाई। स्ट्रेटेजिक का मतलब पता क्या होता है? हो सकता है कि मैं अपना बिजनेस ही चेंज कर दूं। जैसे मैं हूं, जैसे आईटीसी की बात करते हैं, अब आईटीसी के जितने भी डिसीजंस थे क्या वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस थे? कैसे? सर आईटीसी आया एफएमसीजी के अंदर, एफएमसीजी से निकलकर वो सीधा ही होटल इंडस्ट्री में जा रहा है, तो मुझे बताओ क्या ग्रुप ऑफ होटल्स भी हैं आईटीसी के, क्या ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल सर, समझ रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में अमाउंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, लेवल ऑफ रिस्क बहुत हाई होता है, ये ध्यान रखना। वेरी गुड। तो अब ध्यान से पढ़ेंगे, सच डिसीजन इन्वॉल्व लार्ज सम ऑफ मनी। याद रखना पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां पर ज्यादा सम ऑफ मनी चाहिए, जहां पे ज्यादा सम चाहिए, कहां पे कम चाहिए, कौन ज्यादा रिस्की है, कौन कम रिस्की है। तो ये क्वेश्चन आपको तभी समझ आएंगे जब आपको इन सब के मीनिंग समझ आएंगे। क्या समझ आ गया? नहीं। पहला क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन विद एन इंटेंट टू इंक्रीज रेवेन्यू, विद एन इंटेंट टू सेव कॉस्ट, टेक्निकल इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो यहां पे लिखेंगे मेरा प्रश्न नंबर दो, लिख लीजिए रैशनल बिहाइंड कैपिटल बजटिंग। लिखो पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन विच इज गोइंग टू अफेक्ट योर रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट डिसीजन विच इज गोइंग टू सेव योर कॉस्ट, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो आपको हेल्प करता है अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को और बेहतर ऑपरेट करने के लिए, छोटी मोटी मशीन का खरीदना, इसको बोलते हैं टेक्टिकल। टेक्टिकल का मतलब होता है जहां पर
बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं है और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होती है वो भी थोड़ी कम होती है, ठीक है जी। और चौथा बताओ क्या होता है, स्ट्रेटेजिक। तो जो भी कंपनी कैपिटल बजटिंग करेगी तो उसको पहले समझना होगा कि वो जो कैपिटल बजटिंग कर रही है यानी कि जो भी वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रही है उसके पीछे का रैशनल क्या है, क्या उसका इंटेंट बहुत बड़ा चेंज करना है, छोटा मोटा चेंज करना है, रेवेन्यू बढ़ाना है या खर्चों को कम करना है। क्या सबको क्लियर है जी? वेरी वेल डन। अब आ जाओ मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर थ्री, थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे जरा। वेरी गुड दीप्ति, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन लिखना है आपने, काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। काइंड का मतलब होता है कि कितने तरह के कैपिटल बजटिंग डिसीजन हो सकते हैं, है ना, कितने तरह के हो सकते हैं। तो मैं आपको पहले जनरल बताता हूं, मान लो रिलायंस कंपनी है। अब रिलायंस कंपनी कह रही है कि भैया मुझे ना हर बिजनेस में आना है, हर बिजनेस के अंदर एंटर करना है, हर वो प्रोजेक्ट ले लो जो अच्छा है, हर वो प्रोजेक्ट छोड़ दो जो बुरा है। मतलब हम ए को बी से कंपेयर नहीं करेंगे, मतलब हम ए भी ले लेंगे बी भी ले लेंगे, हो सकता है हम दोनों छोड़ देंगे। मतलब अगर ए की परफॉर्मेंस अच्छी है तो ले लो, बी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो ले लो। मतलब ऐसा नहीं है ए को लिया तो बी रिजेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसको बोलते हैं एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरियन, यानी कि काइंड ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन में पहला होता है एक्सेप्ट रिजेक्ट। अब एक्सेप्ट रिजेक्ट में क्या होता है, या तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे सबको या सबको रिजेक्ट कर देंगे, या हो सकता है दो एक्सेप्ट हो जाए दो रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है तीन एक्सेप्ट। मतलब यहां पर मैरिट बेसिस देखा जाता है, यहां पर एक्सेप्टेंस का जो क्राइटेरिया है वो कंपैरिजन ना होकर क्या होता है, मैरिट बेसिस होता है, ठीक है जी, मैरिट बेसिस। और ऐसी हमारे पास हो जाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हाँ जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस। अब ये पता क्या होते हैं, जो आपस में कंपीट कर रहे हैं, मतलब ए का एक्सेप्टेंस इज रिजेक्शन ऑफ बी या बी का एक्सेप्टेंस इज रिजेक्शन ऑफ ए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब कोई एक अगर एक्सेप्ट हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, याद रखना, यानी कि उन दोनों का एक साथ एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थ्योरी भी दे दूंगा बेटा मैं, बिल्कुल भेज देंगे जी, थ्योरी भिजवा देंगे आपको, ऐसी क्या बात है, आप तो बड़े प्यारे बच्चे हो। बोलो मेरे बच्चों, क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया या नहीं, सबको क्लियर हो गया जी? चलो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपकी हैंड रिटन थ्योरी से काफी हेल्प होती है यार। मैं आपको बताता हूं क्या चक्कर है ना, अब कहना मैं सारी थ्योरी लिख नहीं सकता, मैं आपको बताता हूं, मैंने ना आज सुबह आपके लिए, मैं सुबह 6 बजे उठा आज, ठीक है, और मैंने पूरी थ्योरी लिखी है, पता कौन से चैप्टर की, मार्जिनल कॉस्टिंग की, मार्जिनल कॉस्टिंग की थ्योरी मैंने पूरी लिख दी है, बस उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ रह गया, वो मैं अभी आपको आपके ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आपको हैंड रिटन थ्योरी ऑफ मैक्सिमम चैप्टर्स में दे सकूं, ठीक है। तो जो जो चैप्टर की मैं बनाता जाऊंगा, आई विल बी शेयरिंग इन योर ग्रुप्स। मार्जिनल कॉस्टिंग मजा आ जाएगा आप लोगों को, जस्ट 10 मिनट लगेंगे पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ने में। अगर आपने वो पूरी थ्योरी पढ़ ली ना तो आपको लगेगा भाई 10 मिनट में पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग मेरा रिवाइज हो गया, और बस वो थ्योरी आपने लास्ट मोमेंट पे पढ़नी है। पोर्टफोलियो भी मैंने दे दी थी, इसकी भी मैंने दे दी, कैपिटल बजटिंग में पूरी कोशिश करूंगा, अगर मैं बना पाया तो मैं दे दूंगा, अदरवाइज वैसे मैं सोच रहा हूं कि पहले मैं अकाउंट से रिलेटेड जो चैप्टर्स है ना, जैसे CFR हो गया है ना, उसकी थ्योरी दे दूंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IND AS, ठीक है,
जो पीछे के गंदे गंदे चैप्टर है जिसमें थ्योरी बहुत आती है, ठीक है ना, और ऐसे ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मैं आपको थ्योरी 100% दूंगा, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट है एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन। एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजंस क्या होते हैं कि या तो आप ले लो या छोड़ दो, यानी कि प्रोजेक्ट या तो ले लो या छोड़ दो। ऐसे ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस क्या होते हैं, जो आपस में कंपीट करते हैं, यानी कि अगर मैंने ए ले लिया तो बी छोड़ना पड़ेगा, बी ले लिया तो ए छोड़ना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरियन, ठीक है ना। ऐसे ही लिखो जरा कैपिटल रैशनिंग डिसीजंस। हाँ जी लिखो कैपिटल रैशनिंग डिसीजन। हाँ बिल्कुल सही है सुचित्रा। सुचित्रा वैसे ये एग्जाम्पल गलत है तेरा, जियो एयरटेल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। आप समझो मेरी बात को, क्यों नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि आपने एक बिजनेस करना है, आपको दो में से एक चूज करना है, आपको दो में से कोई एक बिजनेस चूज करना है, वो कहलाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे मान लो आपको गाड़ी लेनी है, तो आपको गाड़ी लेनी है तो पापा कह रहे हैं कि या तो हम ऑडी लेंगे या मर्सिडीज लेंगे। अब अगर आपने मर्सिडीज ले ली तो क्या ऑडी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी? अगर ऑडी ले ली तो मर्सिडीज रिजेक्ट हो जाएगी। सिंपल, बच्चा कह रहा है सर क्या बात है, गाड़ी भी देखो मस्त वाली दिला रहे हो और क्या। समझ आ गया नहीं? अब लिखो जरा कैपिटल रैशनिंग डिसीजन। कैपिटल रैशनिंग डिसीजन लिखो क्या होते हैं। कैपिटल रैशनिंग डिसीजन का मतलब होता है, चलो आप एक काम करो, कैपिटल रैशनिंग ना थ्योरी में भी आता है, तो कैपिटल रैशनिंग के बारे में ना पहले पूरा लिख ही लेते हैं। लिखो जरा कैपिटल रैशनिंग का मतलब क्या होता है, कैपिटल रैशनिंग का क्या मतलब है, सब लिखेंगे जरा, लिखो जरा। व्हेन वी आर शॉर्ट ऑफ कैपिटल, याद रखना जब आपके पास कैपिटल कम होती है, यानी कि जब आपके पास लिमिटेड कैपिटल होती है खासकर। हाँ जी, जब आप शॉर्ट ऑफ कैपिटल होते हो, यानी कि जब आपके पास कैपिटल क्या होती है बेटा, लिमिटेड होती है। जब भी आपके पास कैपिटल क्या होती है, सारे बोलेंगे लिमिटेड होती है, वी अप्लाई कैपिटल रैशनिंग। वहां पर ना आपको कैपिटल रैशनिंग अप्लाई करनी होती है। अब यहां पे कैपिटल रैशनिंग का मतलब क्या होता है वो लिख लीजिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड कैपिटल, यानी कि हम चाहते हैं कि जो हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है ना, उसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाह रहे हैं। हमने बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाह रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई बेटा? हम उसमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाह रहे हैं। और कभी भी आप अपने लिमिटेड कैपिटल का अगर बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे ना, तो उसी को हम यहां पर क्या नाम दे रहे हैं, कैपिटल रैशनिंग का नाम दे रहे हैं। ठीक है सर, अब आगे लिखेंगे जरा, आगे लिखना है इसके अंदर, इसी में आगे लिखिए जरा। देर आर टू काइंड ऑफ कैपिटल रैशनिंग, लिख लो टाइप्स ऑफ कैपिटल रैशनिंग, दो तरह की होती है। एक होती है सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग, ठीक है, एक होती है हार्ड कैपिटल रैशनिंग। एक बार ही मेरे को दोबारा बताना, दो तरह की कौन सी होती है बेटा, एक होती है सॉफ्ट, एक होती है हार्ड। सर कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन ग्रुप में शेयर किया है, प्लीज उसका सॉल्यूशन बता दो। भाई अभी पढ़ा लो पहले, लिखो व्हाट इज सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग। लिखो सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग का मतलब होता है वेयर देयर इज इंटरनल लिमिट्स। इंटरनल लिमिट्स समझते हो? इंटरनल लिमिट्स का मतलब क्या होता है, इंटरनल लिमिट्स का मतलब क्या होता है, मतलब फंड्स हैं हमारे पास,
लेकिन आप पर एक इंटरनल लिमिट लगाई गई है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, तुम गोवा घूमने जा रहे हो, ठीक है ना, गोवा घूमने जा रहे हो और पापा ने बोला भैया ऐसा 20,000 से ऊपर नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पापा के पास 20,000 ही है, पापा कह रहे तेरे को 20,000 से ऊपर नहीं मिलेगा। तो तेरे को पूरा का पूरा ट्रिप मैनेज करना है गोवा का कितने में, 20,000 पे। क्या तेरा फंड शॉर्ट हो रहा है या नहीं, यानी कि तेरे पास लिमिटेड फंड है और उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन तेरे को करना है, ठीक है ना। लेकिन ये सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग है। सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि अगर बाई चांस अगर 20,000 शॉर्ट पड़ रहा होगा तो क्या फंड तू पापा को सेट करके और ले लेगा। हाँ अच्छा, मतलब जहां पर इंटरनल लिमिट्स लगाई जाती है, मतलब मेरे पास फंड की कमी नहीं है बट यस मैं आप पर लिमिटेशन लगा रहा हूं कि आप इससे ज्यादा खर्च नहीं करोगे। क्या सबको क्लियर है, क्या सबको क्लियर है या नहीं? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और ऐसी एक्सटर्नल हार्ड कैपिटल रेशनिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। अब यहां पे एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं मालूम है ना, मतलब पैसा है भी नहीं और बाहर से भी नहीं आ सकता, ये थोड़ा सा हार्श होता है ना, ये हार्श है। एक घर में शादी है, सारा फंड पूरा हिसाब लगाकर अपनी पापा ने पीएफ बीएफ सब छोड़ दिया, सब कुछ निकाल दिया, तब भी 10,00,000 से ऊपर नहीं हो रहा है ना, और जितना भी मांग सकते थे सबसे मांग भी लिया तो भी मैक्सिमम कितना इकट्ठा हो रहा है, 10,00,000। तो ये थोड़ा सा हार्श हो जाता है, हार्ड कैपिटल रेशनिंग बोलते हैं इसको। क्या सबको क्लियर है या नहीं? तो ये थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, ये थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है। क्या सबको क्लियर है? ये देखो ये लगे हुए अपने यहां बातें करने में, इनको गोवा भेज दो आज ही। नहीं, कई बच्चे लड़े हुए हैं सर गोवा का ट्रिप कैसे होएगा, इतने में तो होएगा ही नहीं। नहीं भेजू तुम्हारे को मैं अभी, गोवा जाओगे बोलो मेरे प्यारे बच्चों, गोवा जाना है? हाँ इनको भेजो अभी। तो पहले मुझे बताओ कैपिटल रेशनिंग समझ आ गया है नहीं? तो ये जो तीसरा है ना इसको बोलते हैं कैपिटल रेशनिंग डिसीजन। कैपिटल रेशनिंग डिसीजन का मतलब अगर आपके पास फंड शॉर्ट्स है तो उसको दिमाग में रखते हुए कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैसे लिया जाएगा, क्या उसको कैपिटल रेशनिंग डिसीजन बोलते हैं। जल्दी बोलो फटाफट से। तो तीन तरह के डिसीजन होते हैं, बताओ कौन कौन से, लिखो थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखो। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। बताओ बेटा तीन कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताओ तीन कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के कैपिटल बजटिंग डिसीजन होते हैं, तीन बताने हैं आपने। पहला एक्सेप्ट रिजेक्ट, दूसरा बताओ, दूसरा बताओ, वेरी गुड। पहला तो एक्सेप्ट रिजेक्ट हो गया, दूसरा बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वेरी गुड। तीसरा बताओ, तीसरा वेरी गुड, कैपिटल रैशनिंग। नोट्स बना लेना अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, ठीक है, फिर मेरे को शेयर कर देना। क्या बात है, तीन मैंने आपको डिसीजन लेने सिखा दिए, एक बारी मैं आप लोगों के साथ दोबारा रिवाइज करूंगा, सबने मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है जी। शुरू करते हैं दोबारा से, पहला कौन बताएगा? पहला सर, पहला था इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो इंपॉर्टेंस है, लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन है इसका, ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड है, इरिवर्सिबल है, रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, डिफिकल्ट टू टेक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा था रैशनल बिहाइंड क्या है, या तो हम अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, या खर्चों को कम करना चाहते हैं, या फिर हम टेक्टिकल डिसीजन लेते हैं या स्ट्रेटेजिक लेते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन कितने होते हैं, तीन, एक्सेप्ट रिजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और तीसरा अंडर कैपिटल रैशनिंग। अंडर कैपिटल रैशनिंग, फटाफट से बता दो क्या आप लोगों को तीन क्वेश्चन थ्योरी के समझ आ गए, जल्दी बोलो। अब लिखो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल ऑफ कैपिटल बजटिंग। मैं अभी चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, बताओ क्या क्या शेयर करूंगा। हां जी, आई विल बी शेयरिंग विद ऑल, एक टेस्ट पेपर से कह लो, ठीक है, जो आज तक क्वेश्चन पेपर में आए हैं,
ठीक है ना, उसी से रिलेटेड एक टेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मजा आएगा आपको, ठीक है, मजा आएगा। अगर आपने वो कर लिया, अगर आपने वो कर लिया तो ट्रस्ट मी आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। और कोशिश करना बेटा, अब तो वैसे भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि कल से मेरी क्लास डेली होने वाली है। अगर मेरे को आप समझो 20 क्लास भी मिलती है मेरे को, है ना, अगर मैं 20 तारीख तक भी लेता हूं तो 20 क्लास के अंदर हम बहुत मैसिवली बहुत बढ़िया तरीके से कवरेज लेंगे, ठीक है ना। और क्लास का ड्यूरेशन भी मैं बड़ा रखूंगा, मिनिमम 2 से 2.5 घंटे रखूंगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको जरा सा भी ऐसा ही लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ, बिकॉज हमें मालूम है कि आपका टाइम बहुत कीमती है। तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे हम, आपको असाइनमेंट भी देंगे, आपको सब कुछ देंगे, ताकि वही चीज अगर आप खुद से पढ़ोगे तो इट विल टेक मोर टाइम, दैट इज फॉर श्योर। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट देखो जरा बेटा, प्रैक्टिकल ऑफ कैपिटल बजटिंग। देखिए ये 2 पार्ट में हमने डिवाइड करा था, लिख लीजिए। एक है बेसिक, एक है एडवांस लेवल। बेसिक में आपने 2 पार्ट पढ़े थे, पहला है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में आप लोगों को सिखाया गया था हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लोस, और बेसिक के पार्ट 2 में आपको सिखाई गई थी वेरियस टेक्निक्स। टेक्निक्स में आपको याद होगा एक आपने पढ़ा था पेबैक पीरियड, एक आपने पढ़ा था डिस्काउंटेड पेबैक, एक आपने पढ़ा था एनपीवी, एक आईआरआर, एक एआरआर। कुछ याद आ रहा है? फिर एक पढ़ा था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एडवांस कैपिटल बजटिंग में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था याद करते हैं जरा। एक हमने पढ़ा था एक्सपेक्टेड एनपीवी, एक आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि रिस्क ऑफ अ प्रोजेक्ट, फिर आपने पढ़ा था आरएडीआर, सीई अप्रोच याद करेंगे, सीई अप्रोच पढ़ी थी आपने, और फिर इसके बाद आपको पढ़ाया गया था सेंसिटिविटी, एक हमने पढ़ा था सिमुलेशन, याद है कि नहीं, एक आपने पढ़ा था कैपिटल रैशनिंग। बहुत बड़ा चैप्टर है, मालूम है ना सबको ये, एक्सपेक्टेड एनपीवी, स्टैंडर्ड डेविएशन, आरएडीआर, सर्टेनिटी, इक्विवेलेंट अप्रोच, सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिमुलेशन, कैपिटल रैशनिंग। फिर आपने पढ़ा था ईएसी ईएबी अप्रोच। हाँ जी, ईएसी ईएबी अप्रोच। बच्चा कह रहा सर क्या बात कर रहे हो, इतना कब पढ़ाया, इतना तो हमें याद भी नहीं है। याद है कि नहीं ये बता दो बस। हाँ जी बात, चलो तो ये सारी चीजें बनी है, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, पूरी जान लगा देंगे कि इसको आज खत्म करें, चाहे आधा बोला घंटा एक्स्ट्रा लेना पड़ जाए, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का इतना बड़ा ह्यूज बर्डन खत्म हो जाएगा। लेकिन यार प्लीज यार, नोट सुंदर सुंदर बना देना, जिसकी राइटिंग सबसे सुंदर है ना वो मुझे अपने नोट शेयर करेगा, ठीक है। जिसकी राइटिंग सबसे सुंदर होगी वो अपने नोट्स मुझे शेयर करेगा। हाँ बिल्कुल, एक मॉडिफाइड आईआरआर भी करा देंगे। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालनी है जरा, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रॉब्लम। कहते हैं जितने भी कैपिटल बजटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जब भी फॉर्मेशन की बात होती है तो आपको 3 चीजें निकालनी होती है, याद करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना होता है इनिशियल आउटफ्लोस, सेकंड
सबसे पहले क्या निकालते हैं, इनिशियल आउटफ्लोस, दूसरे नंबर पे लिखना होता है सब्सीक्वेंट इनफ्लोस। इफ यू रिमेंबर तो इसको हम CFAT बोलते थे, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। एक आपको निकालना होता है टर्मिनल इनफ्लोस, ठीक है जी। तो बेसिकली आपको जब भी फॉर्मेशन की बात आती है तो आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी होती है बेटा, ठीक है जी। ये सारी चीजें आपको निकालनी होती है, एक बार बता दीजिए कौन कौन सी चीजें आपको निकालनी होती है। एक बार दोबारा बता दीजिए क्या क्या निकालना होता है। एक हमें निकालना होता है इनिशियल आउटफ्लो, एक हमें निकालना होता है सब्सिक्वेंट इनफ्लो, एक हमें निकालना होता है टर्मिनल इनफ्लोस। ठीक है, नित्या कह रही है कि सर हमें तो खाली टेक्निक पढ़ाई गई थी। बेटा टेक्निक डायरेक्ट पढ़ोगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। लिखो जरा इनिशियल आउटफ्लोस में कौन बताएगा। सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ऐड करते हैं हम इंस्टॉलेशन, माइनस करते हैं स्क्रैप ऑफ ओल्ड एसेट। मान लो अगर आप क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट कर रहे हो, रिप्लेसमेंट समझते हो ना, पुराने एसेट को चेंज करके नया एसेट लेकर आ रहे हो, तो दैट इज रिप्लेसमेंट। और जब भी रिप्लेसमेंट होती है ना, तो पुराने वाले एसेट को जब हम रिप्लेस करते हैं तो क्या हमारे पास एक स्क्रैप वैल्यू आता है, तो वो यहां से माइनस हो जाएगा इनिशियल आउटफ्लो में से। सबको याद है या नहीं? वेरी गुड। अच्छा, जब हम यहां से स्क्रैप माइनस करते हैं ना, तो याद करो पुराने वाले एसेट को बेचने में क्या हमें गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। कौन बताएगा, अगर गेन ऑन सेल आया तो ये एक आउटफ्लो होता है, तो ये ऐड हो जाता है। और अगर लॉस ऑन सेल आता है पुराने वाले एसेट को बेचने पे, अगर आपको क्या आता है लॉस, तो बेटा जी लॉस ऑन सेल आपके लिए हमेशा क्या होगा, एक इनफ्लो की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि इस पर टैक्स पेड होगा और इस पर टैक्स सेव्ड होगा। याद रखना, टैक्स पेड टैक्स सेव्ड, याद आ रहा है कुछ? एक होता है टैक्स पेड और एक होता है टैक्स सेव्ड। मैं रिपीट करूंगा, जितने बच्चों को नहीं समझ आया एक बार दोबारा देखेंगे। देखिए, जब आप अपना कोई पुराना एसेट बेच रहे हो तो डेफिनेटली उसकी किताबों में वैल्यू कुछ और है और वो बिका किसी और वैल्यू पे, तो ऐसे में ये जो डिफरेंस होता है बुक वैल्यू का और स्क्रैप वैल्यू का, क्या ये जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस को हम यहां पर या तो गेन बोलते हैं या लॉस बोलते हैं। वेरी गुड। तो अगर ये गेन हुआ, अगर ये क्या हुआ, गेन हुआ, तो लिखो गेन अगर हुआ तो उस गेन पे हमें टैक्स क्या करना होगा, पे। तो बेटा पेमेंट इज आउटफ्लो और आप निकाल भी क्या रहे हो, आउटफ्लो, तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो टैक्स सेव्ड ऑन लॉस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। और इसमें एंड में क्या ऐड कर देना, वर्किंग कैपिटल, बस खत्म। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, आई एम श्योर क्लियर टू एवरीवन। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? बोलो दोस्तों, क्या इसको लॉक करा जा सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आज जरा सब्सिक्वेंट इनफ्लोस लिखो। यहां पे सबसे पहले क्या लिखना है, लिखो सबसे पहले हमें लेने होते हैं रेवेन्यू, और यहां पे हम लिखते हैं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, मतलब प्रोजेक्ट को रिप्लेस करने पर आपका कितना रेवेन्यू बढ़ जाएगा, माइनस इंक्रीमेंटल खर्चे। अच्छा, अगर मान लो खर्चों में सेविंग हो रही हो तो वो प्लस हो जाता था, याद है आपको?
सेविंग इन एक्सपेंसेस ऐड हो जाता था, तो ये हमें देता था पीबीडीटी माइनस करो डेप्रिसिएशन। आप सिर्फ फॉर्मेट नोट कर लो, जिन बच्चों ने कहीं पर भी पढ़ा है और उनको ये नहीं पढ़ाया गया, आप सिर्फ फॉर्मेट नोट कर लीजिए, अभी समझ आ जाएगा आपको। तो ये पैट आएगा, डेप्रिसिएशन को वापस एड बैक करेंगे टू गेट सीएफएटी, टू गेट सीएफएटी। गुप्ता जी कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल एड क्यों है? वर्किंग कैपिटल गुप्ता जी, शुरू शुरू में कोई भी जब धंधा स्टार्ट करते हो ना आप, तो उसमें आपको कुछ वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो वो वर्किंग कैपिटल जितनी आपको जरूरत पड़ेगी ना, वो आपका आउटफ्लो बन जाएगा, तो इसलिए वो यहां पर ऐड हो जाएगा। क्या सबको क्लियर है या नहीं, एक बार कंफर्म करिए, क्या सबको पल्ले पड़ गया? बोलो मेरे दोस्तों, क्या हमें समझ में आया या नहीं, बस इतना बता दीजिए। इनकम रेवेन्यू के नीचे इंक्रीज लिखा है, इनकम नहीं है बेटा, इंक्रीज, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस इंक्रीमेंटल एक्सपेंस प्लस सेविंग इन एक्सपेंस। देव कह रहा है कि डेप्रिसिएशन एड बैक क्यों करा? देखो बेटा, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है ना, नॉन कैश आइटम है, तो हमने माइनस सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए करा था, तो जैसे ही हमने टैक्स बेनिफिट ले लिया, तो ये डेप्रिसिएशन को वापस क्या करेंगे, हम एड बैक करेंगे। अब बच्चा कहता है सर जब एड ही करना था तो माइनस मत करो, तो बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं, माइनस करा टू गेट टैक्स सेविंग्स, एक बार ही टैक्स सेविंग आ गई, उसको हमने वापस क्या कर दिया, एड बैक कर दिया। सीएफएटी डेप्रिसिएशन के नीचे लिखा है सीएफएटी, सीएफएटी। अनुराग भैया कह रहे हैं कि सर एक बारी फॉर्मेट सिखा दो, दोबारा बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुराग यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, दोबारा सुन लो एक बार, जिसको नहीं मालूम ध्यान से सुनेंगे। मान ले तेरे पास एक पुरानी कार है, उसे तू बेचकर नई लेना चाहता है, तो पहले तो मुझे ये बता तेरी जेब से पैसा कितना जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि नई कार कितने की है, उस पर इंस्टॉलेशन का खर्चा कितना है, और पुरानी को बेचकर स्क्रैप कितना आएगा। पर यहां तक तो सिंपल था, ठीक है। अब जब हम पुरानी वाली को बेचेंगे तो हो सकता है कि वो प्रॉफिट में बिके, अगर वो प्रॉफिट में बिकी तो आपकी जेब से टैक्स जाएगा, तो टैक्स आउटफ्लो है और आप निकाल भी क्या रहे हो, आउटफ्लो, तो वो यहां ऐड हो जाएगा। पुरानी वाली को बेचकर अगर तुझे प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट पे टैक्स पेड होगा, और अगर बेचकर लॉस होगा तो तुझे यहां पर टैक्स सेव्ड होगा, और सेविंग इन एनी खर्चा इज इनफ्लो, तो यहां पर हमने आउटफ्लो में से इनफ्लो को क्या कर दिया, माइनस। और अगर नए प्रोजेक्ट में कोई वर्किंग कैपिटल चाहिए तो वो हम ऐड कर देंगे, सिंपल, ठीक है जी। अब आगे देखो जरा, अब हम ये कह रहे हैं कि इस बिजनेस को रिप्लेस करके बेनिफिट क्या होगा, तो हम चेक करेंगे कि नए बिजनेस में आने से हमारा रेवेन्यू कितने से बढ़ गया, हमारे खर्चे कितने से बढ़ गए। कई बार ऐसा भी होता है कि रेवेन्यू भी बढ़ा और खर्चों में सेविंग हो गई, तो याद रखना सेविंग अगेन इनफ्लो है, और तू निकाल भी क्या रहा है, इनफ्लो, तो इनफ्लो में इनफ्लो क्या हो जाएगा, प्लस। बच्चा कई बार कहता है सर यहां पर सेविंग माइनस कर देते हो, यहां पर सेविंग प्लस कर देते हो, कोई रीजन देगा आप में से, कोई रीजन देगा, यहां पर मैंने सेविंग को माइनस करा था, यहां पर सेविंग को मैं प्लस कर रहा हूं, कौन बताएगा? हाँ जी, कोई लॉजिक बता सकता हो? सेविंग अगर हो रही है खर्चों में, यहां माइनस और यहां प्लस क्यों? देखो सेविंग हमेशा इनफ्लो होती है, याद रखो, जब आप आउटफ्लो निकाल रहे हो ना तो आउटफ्लो में इनफ्लो माइनस होता है और इनफ्लो में इनफ्लो प्लस होता है। हाँ, बस 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 बस, वेरी गुड वेरी गुड, शुक्र है ये मालूम है हमें, है ना। टर्मिनल में क्या होगा, क्या हम स्क्रैप ऑफ न्यू एसेट, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एसेट की लाइफ 5 ईयर है, तो 5 साल बाद जो आपको मिलेगा क्या उसको हम स्क्रैप बेनिफिट मिलते हैं, वो भी एट टर्मिनल। स्क्रैप
आफ्टर 5 ईयर देखो जितने बच्चों को ये फॉर्मेट नहीं आता, घबराना नहीं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं ये फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जब मैं टेक्निक पढ़ाता हूं ना तो वहां पर मैं ये शब्द यूज करता हूं, इनिशियल, सबसीक्वेंट, टर्मिनल, CF80, तो वो टर्मिनल, जो टर्मिनोलॉजी तभी समझ आती है जब आपने एक बार ही फॉर्मेटिंग करी हो। समझ आ रही है? हाँ, तो लिखो स्क्रैप ऑफ न्यू एसेट लिखेंगे यहां पर, और एंड में ना याद रखना वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाती है। जितना आपने वर्किंग कैपिटल यहां पे फंसाया था ना वो एंड में आते आते क्या हो जाता है, रिलीज। और इसमें भी अगर लॉस हो रहा होगा एंड में, क्योंकि जहां स्क्रैप आएगा वहां पर प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। प्रॉफिट होगा तो टैक्स पेड होगा, इस बार टैक्स पेड में माइनस करूंगा, रीजन दो, और टैक्स सेव्ड में ऐड करूंगा। कोई रीजन बता सकता हो? क्योंकि इस बार आप क्या निकाल रहे हो, इनफ्लोस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टर्मिनल। एक चीज मैं बार बार बताना चाह रहा हूं कि पेपर में चांसेस बहुत नेक्स्ट टू लो है कि आपको फॉर्मेशन से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा है ना कि इसमें ना ये टॉपिक्स और ये टॉपिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन फॉर्मेशन। तो अक्सर क्या होता है कि पेपर में ना पहले से दिया होता है कि हमारा इनिशियल कितना है, सबसीक्वेंट कितना है, टर्मिनल कितना है, आपको सिर्फ टेक्निक अप्लाई करनी होती है। क्या सबको क्लियर है या नहीं? अब मैं आपको ना सीधा ही टेक्निक्स पे लेके जा रहा हूं, और जब एंड में हम पहुंचेंगे तो एक आधा क्वेश्चन फॉर्मेशन पे करा दूंगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं फॉर्मेशन बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। अगर आपको फॉर्मेट आता है तो डेफिनेटली आप उसको ट्राई कर सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? चलो लिखो जरा सारे। अब सबने लिखना है बेटा, हाँ जी सबने लिखना है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। लिखो टेक्निक्स, सबसे पहली टेक्निक लिखो पे बैक पीरियड अप्रोच। पे बैक पीरियड अप्रोच, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पे बैक और ARR ये दो अप्रोचेस ऐसी हैं जिनको आपने ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलना है। तो पेपर में ना थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर दी ट्रेडिशनल अप्रोचेस इन द कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। तो दो ही अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक ARR और एक पे बैक पीरियड। इसको ट्रेडिशनल क्यों बोलते हैं लिख लीजिए, बिकॉज ये दोनों अप्रोचेस इग्नोर करती हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। लिख लीजिए, ये दोनों अप्रोचेस इग्नोर करती हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ट्रेडिशनल अप्रोच। एक बार दोबारा बोल दीजिए, पे बैक पीरियड अप्रोच एंड ARR, ये दोनों अप्रोचेस क्या कहलाती हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? बिकॉज ये दोनों अप्रोच इग्नोर करती हैं किसको, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को ये इग्नोर करती है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ट्रेडिशनल अप्रोच। एक बार सबने दोबारा से जवाब देना जो मैं पूछ रहा हूं, व्हाट वी कॉल दीज अप्रोचेस एज, कम ऑन एवरीबॉडी, इन अप्रोचेस का नाम बताओ। ARR इज दी, कई लोग बोलते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, कई लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज ज्यादा बेटर है, ठीक है जी। एक होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, या कई बार हम इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, ठीक है। अब लिखो जरा, सबसे पहले लिखेंगे पे बैक पीरियड अप्रोच क्या होता है। देखिए पे बैक पीरियड अप्रोच ना बेसिकली हमें बताता है दैट हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिकवर the amount invested by us in the business। कहते हैं अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है तो आपको कितना समय लगेगा उस पैसे को वापस पाने में, that is called as payback period। एक बार दोबारा बोलेंगे, what is payback period?
द टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू रिकवर योर मनी बैक, वो पीरियड जिसमें आपके पास आपका पैसा वापस आ जाता है, वो समय जिसमें आपके पास आपका पैसा वापस आ जाता है, उसको यहां पर नाम दिया जाता है, आवाज मारो क्या नाम दिया जाता है, पे बैक पीरियड। सबने जवाब देना है, व्हाट वी कॉल इट एज, पे बैक पीरियड। सबने एवरीबॉडी कम ऑन, पे बैक पीरियड एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसा समय है, एक ऐसा टाइम है जिसमें आपके पास आपका खुद का पैसा वापस आ जाता है। बोलो, जिसमें आपके पास आपका खुद का पैसा वापस आ जाता है उसको बोलते हैं पे बैक पीरियड अप्रोच। वेरी वेल डन। अब सवाल यहां पर यह है कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो लिख लीजिए कंप्यूटेशन ऑफ पे बैक पीरियड। बहुत सिंपल होता है ये क्वेश्चन, लिख लीजिए। मान लो मेरा इनिशियल आउटफ्लो दिया हुआ है 2 लाख रुपए और मेरा CFAT दिया हुआ है 50,000 रुपए और हमारे प्रोजेक्ट की लाइफ दी हुई है 10 साल। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप प्रोजेक्ट में 2 लाख रुपए लगाओ, अगले 10 साल तक आप मेरे से 50,000 रुपए लेते रहो, ये मैंने आपको वादा करा। आप मुझे ये बताओ आपको कितना समय लगेगा अपना पैसा वापस पाने में, अगर हर साल आपको 50,000 दिए जाए तो हाउ मच टाइम इट विल टेक दैट यू विल गेट बैक योर मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय यू इन योर बिजनेस। टेल मी द टाइम पीरियड विच यू आर गोइंग टू टेक टू रिकवर योर मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय यू इन द बिजनेस, जल्दी बता दो फटाफट से। ब्यूटिफुल। बच्चा कह रहा है सर 4 साल, 4 साल लगेंगे मुझे मेरा पैसा वापस पाने में। क्या बात है, ये कैसे आया कोई बताएगा पे बैक पीरियड कैसे आया, हाउ यू कैलकुलेटेड पे बैक पीरियड, टेल मी। इनिशियल आउटफ्लो डिवाइड बाय CFAT। ब्यूटिफुल यार, इनिशियल आउटफ्लो कितना है बताओ, 2 लाख, CFAT कितना है 50,000, सो इट टुक 4 इयर्स। क्या बात है, ब्यूटिफुल यार, ब्यूटिफुल, जबरदस्त। हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर यू टू गेट बैक योर मनी, इट टुक 4 इयर्स, ब्यूटिफुल। अब इसी का एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो जरा। मान लो इनिशियल आउटफ्लो दिया हुआ है 2 लाख एंड यहां पर आपको इयर्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 और यहां पर आपको CFAT दिया हुआ है। CFAT लिख लीजिए कितना है, 50,000, 80,000, 70,000, 1 लाख और क्वेश्चन यही है फाइंड करेंगे पे बैक पीरियड। आपको याद है इसमें क्या करते थे, अगर हर साल अमाउंट अलग अलग होता था तो हम लोग एक स्टेप निकालते थे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस। क्या निकालते थे जल्दी बताओ, हमें पेबैक निकालना है तो हम क्या करते थे, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस निकालते थे। याद आ रहा है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस। सबने बोलना अपने मुंह से, अपना अपना मुंह यूज करो, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, अपना अपना मुंह यूज करते हैं, बड़ा प्यारा प्यारा मुंह है। हाँ, अब क्यूमुलेटिव कैसे आएगा, पहला 50, फिर इसमें 80 जोड़ो, 130, 70 जोड़ो, 2 लाख, 1, 3। अब आप मुझे बताओ आपका पैसा कितना लगा हुआ है, 2, तो 2 लाख आपको कितने समय में आया, 3 साल में, तो योर पे बैक पीरियड जो है दैट इज 3 इयर्स। लो जी, आपका प्रश्न नंबर 2 भी खत्म। मजा आ रहा है, जल्दी बताओ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, मजा आ रहा है बेटा। मैं एक बात बताऊं कि नहीं बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा ना हम लोगों को ऐसे फील आने लग गया कि जैसे ना हमारे पेपर है। मुझे तो लगता नहीं तुम ज्यादा पढ़ते होगे भाई, तुमसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि हम ही मेहनत कर रहे हैं। सुबह 6 बजे उठ के तुम्हारे नोट्स बनाए मैंने, है तो भाई अगर तुम भी साथ में उतनी मेहनत कर लोगे ना तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको बढ़िया नंबर लाने से।
पेपर में मैं ही दे दूं, पेपर मैं ही दे दूं ना, है ना। मैं भी सोच रहा हूँ यार, कोई ऐसा सिस्टम हो जाए कि वो बोले कि भैया अपने अपने टीचरों को बुलाओ और उनको बोलो पेपर देते हैं, क्या कहते हो? नहीं नलायक। हाँ देखिए सोफिया को, सोफिया कह रही है नहीं सर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, पेपर तो हम दे देंगे। वेरी गुड सोफिया, वेरी गुड। अब यहां पे मुझे कौन बताएगा जब हम क्यूमुलेटिव करेंगे? पचास हजार, एक बीस, दो बीस, दो सत्तर। अब मेरे को एक बात और बताओगे, एक बात और बताओगे, ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको याद है हम लोग लगाते थे इंटरपोलेशन प्रोसेस, याद है? नहीं भूल गए? भूल गए। इंटरपोलेशन प्रोसेस क्या होती थी सर, ये कोई बताएगा? इंटरपोलेशन प्रोसेस देखो, हमें चाहिए 2 लाख, 2 साल में आया 1.20 और 3 साल में आया 2.20, क्या हमारा जो भी पे बैक होगा क्या 2 और 3 ईयर के बीच में होगा? तो फॉर्मूला कैसे लगाते थे? 2 ईयर्स इज द पीरियड जहां पर हमने कलेक्ट कितना कर लिया, 1.20, है ना। 2 साल में आपने कितना कलेक्ट कर लिया, 1.20, ठीक है। अब आप मुझे आराम से सोच के बताना जो मैं बोलूंगा। थर्ड ईयर में आपका रेवेन्यू कितना है, 1 लाख। टू गेट रूपीज 1 लाख वी नीड टू एड 1 मोर ईयर, बट कौन मुझे बताएगा अभी भी अनकलेक्टेड अमाउंट कितना है? अनकलेक्टेड अमाउंट कितना है कौन बताएगा? व्हाट इज अनकलेक्टेड अमाउंट? देखिए 2 साल में 1.20 आ चुका है, तो क्या 80,000 ऐसा है जो अभी भी शॉर्ट मार रहा है? वेरी गुड। तो 2.8 ईयर्स लिख लीजिए, माय पेबैक विल बी 2.8 ईयर्स। सबने लिखना है पेबैक विल बी 2.8 ईयर्स, 2.8 ईयर्स विल बी माय पेबैक। जल्दी जल्दी लिखेंगे, वेरी गुड। व्हाट इज माय पेबैक पीरियड? 2.8 ईयर्स। इंटरपोलेशन प्रोसेस बोलना अपने मुंह से। यश कह रहा है एक बार रिपीट कर दो। यश मेरे को एक बात बता, तेरा आउटफ्लो कितना था बेटा? 2 लाख। तो तेरे को रिकवर कितना करना है? 2 लाख। इन 2 ईयर्स यू हैव रिकवर्ड कितना? 120। 2 सालों में तूने 1.20 की रिकवरी कर ली। यश तेरे से बात कर रहा हूं मैं, 2 साल में तूने कितने की रिकवरी कर ली? 1,20,000 की तूने रिकवरी कर ली इन 2 ईयर्स, ठीक है सर। तीसरे साल में थर्ड ईयर में हमने देखा कि तेरे पास 1 लाख रुपए आया है, है ना। तो यश तू मुझे एक बात बता, 2 में से 1.20 तो तेरे पास आ चुका है, और कितना चाहिए था? 80। थर्ड ईयर में तुझे 1 लाख मिलेगा, तो 1 लाख पाना है अगर तो तुझे 1 साल और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 1 साल तुझे और काम करना पड़ेगा टू गेट 1 लाख रुपीज। बट तेरी रिक्वायरमेंट कितनी है खाली? 80,000। तो 80,000 के लिए तुझे कितना काम करना पड़ेगा? क्या वो 2 में ऐड कर दे, क्या वो तेरा पूरा पे बैक निकल आएगा? चलो, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, पे बैक पीरियड समझ आ गया। अब कौन मुझे बताएगा पे बैक पीरियड का ड्रॉबैक क्या है? इसमें ड्रॉबैक क्या है कौन बताएगा? व्हाट इज द ड्रॉबैक इन पे बैक पीरियड? देखिए ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर करता है। इनफैक्ट ट्रेडिशनल अप्रोच में टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर करने की वजह से ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होती, ठीक है जी। क्या मेरी बात समझ आ रही? ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होती, आई विल रिपीट अगेन, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं यूज होती जल्दी बताओ? क्योंकि ये इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। दूसरा, इसमें ना फ्यूचर लाइफ भी इग्नोर की जाती है, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट को भी इग्नोर किया जाता है। लिख लीजिए, इट इग्नोर्स प्रोजेक्ट लाइफ ऑल्सो। क्या मतलब है सर इसका? प्रोजेक्ट लाइफ भी इग्नोर करता है, क्या मतलब है इसका?
सर देखो मैं आपको चाहता हूं, इधर देखना जरा, सारे सामने देखो, वेरी गुड, सामने देखना। एक और प्रोजेक्ट है 2 लाख, इसमें आपको हर साल 1 लाख मिलेगा सिर्फ 3 साल के लिए। अच्छा बिना पे बैक पीरियड निकाल के बताओ कौन सा प्रोजेक्ट आप लोगे। मैं आपसे पूछता हूं आप कौन सा प्रोजेक्ट लोगे। 2 लाख हर साल 50,000 10 साल के लिए मिलेगा, 2 लाख हर साल 1 लाख सिर्फ 3 साल के लिए मिलेगा, रियलिटी ऑफ द लाइफ कौन सा प्रोजेक्ट लोगे? सेकंड लेगी शिवानी, कहती है सेकंड लूंगी शिवानी नलायक। अभी लल्लूओ पे बैक की बात नहीं हो रही, क्या कमाल कर दिया यार, 50,000 10 साल तक मिलेंगे। चलो छोड़ो बड़े, अभी भी तुम्हारे को और लालच देना पड़ेगा। अब बताओ, अरे पे बैक अभी दिमाग से निकाल दो लल्लूओ, मैं जनरल बात कर रहा हूं, दिमाग में पे बैक मत रखो आप। हाँ जी दिमाग से क्या निकाल दो, पे बैक पीरियड बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। क्यों एक अच्छा लग रहा है भाई, वो 50,000 देगा 100 साल तक, लेकिन अगर हम इसका पे बैक निकालेंगे ना, तो इसका 4 साल है इसका 2 साल है, तो पे बैक के हिसाब से आंसर लोगे तो कौन सा आएगा, ये वाला। तो इसका मतलब क्या ये लाइफ इग्नोर कर रहा है ना, यानी कि इसके लिए 100 साल और 3 साल की कोई रेलेवेंस ही नहीं है, समझ आ गया नहीं? तो इट इग्नोर प्रोजेक्ट लाइफ। कौन बताएगा डिसीजन ऑन पे बैक, कौन सा वाला प्रोजेक्ट लोगे? अगर पे बैक को बेस बनाएंगे तो कौन सा प्रोजेक्ट लेंगे जिसका अर्ली पे बैक होगा? लिख लो प्रोजेक्ट विद अर्ली पे बैक। वेरी गुड, क्या सबको क्लियर है या नहीं? अब पे बैक यूज कहां पे होता है लिख लो, यूज ऑफ पे बैक पीरियड। देखिए जहां पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है ना, वहां पर ना पे बैक पीरियड अप्रोच बेटर मानी जाती है। जहां पर इन्फ्लेशन का प्रेशर हो, जहां पे आपको ऐसा लगे कि यार इन्फ्लेशन का थ्रेट है, तो वहां पर हमेशा याद रखना पे बैक पीरियड हमेशा बेटर अप्रोच मानी जाती है, क्योंकि यहां पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है। सारे बोलो क्या होता है? इन्फ्लेशनरी प्रेशर होने की वजह से हम इस पे बैक को बेटर मानते हैं ऐसी कंडीशंस में। वेरी वेल डन, तो मेरे ख्याल से लीजिए आपकी टेक्निक नंबर 1 मैंने पूरी समझा दी, अब लिखो टेक्निक नंबर 2 डिस्काउंटेड पे बैक। कौन बताएगा क्या फर्क होगा डिस्काउंटेड पेबैक में? पेबैक और डिस्काउंटेड पेबैक पूरा सेम है, एक डिफरेंस है, बताओ क्या? हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस का करेंगे या डिस्काउंटेड कैश फ्लोस का? वेरी गुड, तो लिख लीजिए इन दिस व्हाइल कंप्यूटिंग पेबैक पीरियड यूज करो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। अब यह मत कहना कि आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लोज नहीं आता, पेपर आपका अगले महीने ही है। वेरी गुड, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, क्या सबको क्लियर है या नहीं? डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का इस्तेमाल किया जाएगा, सबने जवाब देना है। किसका इस्तेमाल किया जाएगा? डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा? डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का इस्तेमाल किया जाएगा। वेरी गुड, अब इसका भी एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, लिखो जरा। मान लो इनिशियल आउटफ्लो दिया हुआ है 1 लाख रुपया, लाइफ दी हुई है 4 इयर्स और इन 4 सालों में आपको कैश फ्लोस भी गिवन है 20,000,
80,000, 50,000, 40,000 और आपका डिस्काउंट रेट है 10%। फाइंड करो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। हाँ जी, पता लगाओ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको सबसे पहले डिस्काउंट रेट का इस्तेमाल करना है और आपको पीवीएफ वैल्यूज निकालनी है, याद है आपको? फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लोस। ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लोस। फिर आपने उसको क्या करना है, क्यूमुलेट करना है बेटा। फिर आपने उसको क्या करना है, क्यूमुलेट करना है। फिर उसको क्या करेंगे, जल्दी बताओ, क्यूमुलेट करेंगे। क्यूमुलेट सबने बोलना है, क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? बच्चा कह रहा है सर क्यूमुलेट करेंगे। क्यूमुलेट, वेरी वेल डन, क्यूमुलेट करेंगे। ठीक है जी, क्यूमुलेट करेंगे। आप देखो कैसे, यहां पर 10% पे करोगे 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। ठीक है जी, और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करो, चेक करो कितना कितना आ रहा है। हाँ जी, पहले डिस्काउंटेड कैश फ्लोज निकालो, फिर उसका क्यूमुलेट करो, फिर इंटरपोलेशन लगा दो। कर लोगे? करके दिखाऊं एक बारी, फटाफट से बताओ, करोगे अपने आप या करूं मैं? लाओ यार, मैं ही कर देता हूं फिर। 20,000 × 0.909, 18180, 66080, 37550, 27320। फिर इनका क्यूमुलेट करना है आपने, 18180, 66080, 37550, 27320। ठीक है जी, आपने पैसा कितना लगाया हुआ है, 1,00,000। डिस्काउंट रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा। बस ये तो मैंने पीवीएफ टेबल की वैल्यूज निकाली है। अब देखो 2 साल में आपके पास कितना आ गया, 84,860 रुपये। तो आपका 2+ होगा। अब आपको 1,00,000 में से 84,260 तो आ ही चुके हैं, तो आपका अनरिकवर्ड अमाउंट है 15740। ठीक है जी, और थर्ड ईयर में यू विल गेट 37550। तो इतना अनरिकवर्ड पाने के लिए कितना पेशेंस रखनी पड़ेगी, बस वो सॉल्व कर लो। एक बारी कंफर्म कर दीजिए, समझ में आया या नहीं? चलो, वेरी वेल डन। अब लिखो जरा नेक्स्ट। हाँ जी, आफ्टर डिस्काउंटेड पे बैक सबने लिखना है यहां पे। एनपीवी अप्रोच, सब लिखेंगे एनपीवी अप्रोच।
एनपीवी अप्रोच, लिखो बेटा सारे एनपीवी अप्रोच। सुचिता कह रही है ये कैसे आया बेटा जी, थर्ड ईयर में हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना है? 37550 ही तो है। तो टू गेट 37550 यू नीड टू वेट फॉर वन ईयर। तो इतना पाने के लिए कितना वेट करना पड़ेगा वो सॉल्व करके उसमें टू प्लस कर दो, ठीक है ना? एक सेकंड बेटा जरा, तो ये जोगी प्रताप चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जरा सारे। क्या नाम है बेटा आपको समझ आ गया ना? देखो इन कैश फ्लोस को डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई करके आ गया डिस्काउंटेड कैश फ्लोस, फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लोस को हमने करा क्यूमुलेटिव, यहां तक ठीक था। अब हमारे को चाहिए 1 लाख, 2 साल में कितना आ चुका है 84,260। तो 2 प्लस, अब प्लस कितना होगा ये सवाल है। तो मैंने क्या कहा, अगर आपकी टोटल रिक्वायरमेंट थी 1 लाख, सारे बोलेंगे टोटल रिक्वायरमेंट कितनी थी 1 लाख। अब उस 1 लाख रुपए को पाने के लिए, हाँ जी मेरी रिक्वायरमेंट कितनी थी बेटा 1 लाख रुपए। अब सोचो टू गेट रुपीज 1 लाख उसमें से 2 साल में कितना आ गया 84,260, तो बैलेंस कितना बचा इतना, है ना? तो थर्ड ईयर में मिलेगा आपको 37550 इन वन ईयर, तो इतने पाने के लिए कितना और ऐड करूं प्रोपोर्शनेट निकल आया। अरे डिस्काउंट रेट दिया हुआ है मेरे भाई, क्या हो गया तुम्हारे को? 10% का डिस्काउंट रेट क्वेश्चन में गिवन है, और ये वैल्यूज निकालनी आती है क्या? नहीं आती। जिनको नहीं आती, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला मेरा चैप्टर दिया हुआ है मैंने, वो आप देखो कैसे निकलती है ये वैल्यूज। जैसे रेट 10% है ना बेटा, 1.10 लिखो कैलकुलेटर पे, एक इक्वल दबाओगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, एक और इक्वल दबाओगे तो ये आएगी, एक और दबाओगे तो ये आएगी, और डिटेल में समझना है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाली वीडियो चेक करो। क्या यहां तक क्लियर है या नहीं? आगे बढ़ू मैं? जितने बच्चे बताएंगे फटाफट से समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ू, आप बढ़ जाऊं? चलो अब लिखो जरा एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच। सबसे बेस्ट अप्रोच होती है, इसको बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। लिख लीजिए इसको, हम एक और नाम देते हैं, दैट इज मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच अब लिखो, मॉडर्न अप्रोच में एनपीवी कैसे निकलता है सबको मालूम होगा। एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, ठीक है जी? एनपीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, ठीक है बेटा? और जब भी हम एनपीवी निकालते हैं ना, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के आपको याद होगा आपने 3 तरीके पढ़े थे। या तो आप CF80 अगर हर साल कांस्टेंट है तो आप इनटू क्या करते थे, PVAF, याद है? और अगर हर साल CF80 अलग अलग आ रहा है तो क्या हर साल के CF80 को PVF से मल्टीप्लाई करते थे? और अगर परपीचुअल है, परपीचुअल याद है ना, अगर प्रोजेक्ट की लाइफ परपीचुअल है तो क्या हम डिवाइड बाय आई करते थे? आई यहां पर क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के कितने फॉर्मेट होते हैं, 3। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के कितने फॉर्मूले होते हैं, 3। पहला है PVAF, दूसरा है PVF, और तीसरा क्या है जल्दी आओ, CF80 डिवाइड बाय आई। आई स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत बढ़िया, शानदार। अगर समझ आ गया हो तो लॉक करें इसको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं स्ट्रेट अवे, एनपीवी निकालेंगे, ठीक है ना? लिखो डिसीजन बेस्ड ऑन एनपीवी
कहते हैं अगर आपके प्रोजेक्ट का एनपीवी ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो है, या तो वो जीरो है या जीरो से बड़ा है, मैं रिपीट करूंगा जीरो है या जीरो से बड़ा है, तो आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट का एनपीवी नेगेटिव है तो आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। इसका मैंने इंटरप्रिटेशन भी दिया हुआ है, कोई आप में से बताना चाहेगा, एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है, लिख लीजिए कि प्रोजेक्ट का जो रिटर्न है इट इज मोर देन योर डिस्काउंट रेट। इफ एनपीवी इज एग्जैक्टली जीरो देन प्रोजेक्ट रिटर्न इज इक्वल टू डिस्काउंट रेट। इन केस इफ एनपीवी इज लेस देन जीरो, प्रोजेक्ट जो रिटर्न दे रहा है वो डिस्काउंट रेट से कम है। क्या सबको क्लियर है या नहीं? अब एक क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं एंड आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे उस क्वेश्चन को। सब तैयार है? सो आर यू ऑल रेडी टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन? चलो वेरी गुड, लिखो जरा। सबने लिखना है इनिशियल आउटफ्लोस 2 लाख प्रोजेक्ट की लाइफ है 4 साल, CFAT 1 लाख, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12%। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, आपको एनपीवी निकालना है बेटा। इनिशियल आउटफ्लो 2 लाख, CFAT 40,000, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10%, लाइफ इज इनफाइनाइट। इनिशियल आउटफ्लो 2 लाख, 3 साल लाइफ है और CFAT दिया हुआ है 1,80,000, 90,000, डिस्काउंट रेट है 10%। सो यू हैव 3 क्वेश्चंस। इफ यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस दैट मींस टू से कि आप लोगों का ये हो जाएगा। करिए फटाफट से। सबने ट्राई करना है बेटा, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। इनिशियल आउटफ्लो 2 लाख, जल्दी जल्दी करके दिखाओ। देखो क्योंकि यहां पे ना CFAT कांस्टेंट है तो बच्चा कहता है सर मैं यहां पर ना इनटू पीवी एएफ करूंगा, सर मैं एन 4 लूंगा, रेट 12%, माइनस करूंगा मैं आउटफ्लो 2 लाख। बिल्कुल सही है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, 1.12 डिवाइड 4 बार इक्वल एंड लास्ट में ग्रॉस टोटल।
सो 1.12 डिवाइड 1, 2, 3, 4 बार इक्वल लास्ट में जीटी 3.037 माइनस 2 लाख. सो योर आंसर विल बी 1,03,735 रुपीस. मेरे ख्याल से सबका आंसर आ गया. कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेटली आएगा ये. अगर आपने 103 तक कराया तो 1,03,000 आ रहा होगा या फिर 1,03,700 आ रहा होगा. बिल्कुल सही जवाब है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों. मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमें ये युद्ध जीतना है. क्या आप मेरे साथ हो युद्ध के अंदर? यस सर. लाइफ इनफाइनाइट है. एनपीवी का फॉर्मूला क्या? CF80 डिवाइड बाय आई. आई स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस इनिशियल आउटफ्लोज. यही करा सबने या नहीं? ₹40,000 डिवाइड बाय 0.1 माइनस इनिशियल आउटफ्लोज 2 लाख. 2 लाख आंसर. ब्यूटीफुल यार. और नीचे लास्ट में कौन बताएगा? हु विल टेल मी इस वाले में क्या होगा? कौन बताएगा? सर इस वाले में ना हम क्या करेंगे ना सर 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 बोलो ना यार. सर सुनो ना, बोलो ना. सर सुनो तो सही, बोलो तो सही. सर इसमें ना हम ना इंडिविजुअली पीवीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे. सर यहाँ पे आएगा 0.909, यहाँ पे 0.2826.751. बिल्कुल सही है सर. मल्टीप्लाई करके ना सर आपको पता है सर प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी. हाँ मेरे को पता है. सिक्स सिक्स जीरो एट जीरो सिक्स सेवन फाइव नाइन जीरो. ठीक है जी, इनको ऐड करके इसमें से माइनस कर देना 2 लाख रुपए. क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? एक बारी अगर समझ में आ गया तो प्लीज ओके करेंगे जरा. इफ यू ऑल हैव अंडरस्टूड प्लीज ओके कर दीजिए. एक बार ओके कर दो बेटा, एक बार तुम्हारे को कसम लगेगी बेटे. एक बार ओके करने में बेटा कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं जाएगा. कोई पैसे नहीं लग रहे. ठीक है, बच्चा कह रहा ओके है. ग्रेट. अब आए हुए नेक्स्ट पॉइंट पे. अगला पॉइंट लिखना जा सारे. सेकंड क्वेश्चन नहीं समझी क्या हुआ इसमें? सेकंड क्वेश्चन में बस याद रखो, परपीचुअटी जब भी होता है ना तो डिवाइड बाय आई करते हैं. जब भी परपीचुअटी हो ना, परपीचुअटी मतलब होता है फॉर एवर, तो हमेशा डिवाइड बाय आई कर दो. कहां पे ये? वो कैलकुलेशन चेक करो बेटा अपनी. 3.79 आता है अगर लाइफ 5 ईयर होती है तो. लाइफ 4 ईयर है, आपने गलती से एक इक्वल एक्स्ट्रा दबा दिया बेटा. आई मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. चलो लिखो जरा नेक्स्ट. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अप्रोच. लिखो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अप्रोच. इसका दूसरा नाम है पीआई अप्रोच. लिख लीजिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अप्रोच का दूसरा नाम है पीआई अप्रोच. कृतिका जब हम पहुंचेंगे ना सैलवेज वैल्यू फॉर्मेशन का कोई क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा. सैलवेज का मतलब होता है जितने में वो एसेट बिक सकता है. सैलवेज का मतलब होता है द वैल्यू एट विच दैट एसेट कैन बी सोल्ड आउट.
वो वैल्यू जितने पे उस एसेट को आप बेच सकते हो उसको सैलवेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है, चलो अब लिखो जरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अप्रोच, दैट इज पीआई अप्रोच। सेम है ये, वहां पर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो का क्या लेते थे, डिफरेंस, यहां लेते हैं रेशो। तो लिखो पीआई इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस। जब हम रेशो लेते हैं ना तो उस रेशो को हम यहां पे क्या बोलते हैं, पीआई बोलते हैं। अब यहां पे लिखो जरा पीआई के बेस पे डिसीजन कैसे लेते हैं, अगर ये वन या वन से बड़ी है तो आपको एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब होता है कि प्रोजेक्ट का जो रिटर्न है ना वो आपके डिस्काउंट रेट से काफी ज्यादा है, लेकिन अगर पीआई लेस देन वन है तो आप रिजेक्ट कर देना। इसका मतलब प्रोजेक्ट रिटर्न डिस्काउंट रेट से कम है। वेरी वेल डन। तो पीआई डिसाइड करता है कि हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। ठीक है बेटा, और निकलता कैसे है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय, पहले हम करते थे माइनस, अब हम करते हैं रेशो। क्या यहां तक क्लियर? ठीक। अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है सर, वही तीन मेथड है, पीवीएफ, पीवीएफ या डिवाइड बाय आई, यानी कि परपीचुअटी। सबको क्लियर है या आगे बढ़े फिर? अब यहां पे लिखो एनपीवी और पीआई में बेटर कौन होता है। देखिए अगर फंड शॉर्टेज नहीं है, अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आप बहुत बड़े से बड़ा काम कर सकते हो, तो डिसीजन हमेशा एनपीवी बेस्ड होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के पास पैसे की कमी है ना, कैपिटल शॉर्ट हो रही है, तो वो पीआई बेस्ड हाँ जी, चलिए करें स्टार्ट। फोर्सफुली आप लोगों को वो मिल गया, नहीं ब्रेक मिल गया फोर्सफुली वाला। मैंने सोचा था मैं दूंगा आराम से आपको, एक डेढ़ बजे का ब्रेक दूंगा। आप लोगों ने बिजली जो है ना, बिजली बिजली महारानी, इसने आपको जबरदस्ती का ब्रेक दिलवा दिया। नहीं अरे इन्वर्टर इतना कुछ लोड नहीं लेता मेरे बच्चे, इन्वर्टर से नॉर्मल बिजली तो चल जाती है। ये बड़े 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 सिस्टम है बेटा, ये इन्वर्टर में नहीं चलते।
चलो आ जाओ फिर एक बारी बेटा, सब जरा शेयर कर दो जरा ग्रुप्स के अंदर। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कुछ लोग अब खाने पीने लस्सी वस्सी पियेंगे आराम से। चलो लिखना शुरू करो जरा। एनपीवी वर्सेस पीआई मैंने आपको बता दिया कि अगर कभी ये डिसाइड करना हो कि एनपीवी बेटर है या पीआई बेटर है, तो आपको कैसे याद रखना है कि अगर आपके पास पैसे की शॉर्टेज नहीं है तो आप हमेशा डिसीजन एनपीवी बेस पे लेंगे, और अगर यू आर शॉर्ट ऑफ फंड्स तो आपको डिसीजन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ पीआई। क्या यहां तक क्लियर हो गया या नहीं? शिका कह रही है अब आपकी पनिशमेंट है तो ये देर तक पढ़ाओ। शिका ये पनिशमेंट नहीं है, ये तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा आप ऐसे बोलोगे तो। चलो अब अगला लिखो जरा, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सबने लिखना है बेटा आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आईआरआर लिखेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच। हाँ जी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच सबने लिखना है, वेरी गुड। आईआरआर का मतलब क्या है यहां पर? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच, ठीक है जी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच। अब एक बच्चा कहता है सर आईआरआर का मतलब पहले बताओ क्या होता है, तो लिख लो इसका दूसरा मतलब होता है प्रोजेक्ट रिटर्न। हाँ जी लिख लीजिए, इसका दूसरा मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट रिटर्न। IRR stands for internal rate of return, दूसरा नाम होता है project return, project return, project return। अब बच्चा कहता है सर ये project return निकालते कैसे है? तो लिख लीजिए it is a rate of return at which NPV of the project is zero। याद रखना एक ऐसा rate of return जहां पर प्रोजेक्ट का एनपीवी क्या होगा? जीरो होगा। एक बार दोबारा बोलेंगे, एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जहां पर प्रोजेक्ट का एनपीवी विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। और अगर कोई पूछे कि सर ये निकालते कैसे हैं, तो लिख लीजिए आईआरआर निकाला जाता है यूजिंग यूजिंग हिट एंड ट्रायल, ट्रायल एंड एरर लिख लो, ठीक है जी। आईआरआर कैसे निकलेगा? ट्रायल एंड एरर से, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो आप लिखिए एग्जाम्पल नंबर वन, लिखो एग्जाम्पल नंबर वन। हाँ जी एग्जाम्पल नंबर वन लिखो, एग्जाम्पल नंबर वन क्या है? अगर मैं ये कहूं कि मैंने एनपीवी निकाला एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और मेरा आंसर आया 2000, फिर मैंने एनपीवी निकाला एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट और मेरा आंसर आया -500, मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ आईआरआर क्या होगा? आईआरआर क्या होगा, यानी कि मेरा क्वेश्चन है प्रोजेक्ट का रिटर्न कितना होगा। तो देखिए आप पहले ना समझ लो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए अगर कभी भी ऐसा हो जाता है कि एनपीवी किसी भी रेट पर अगर पॉजिटिव होता है, बोलो मेरे पीछे पीछे, अगर किसी भी रेट पर एनपीवी इज पॉजिटिव तो इसका मतलब होता है कि प्रोजेक्ट रिटर्न इज मोर देन दैट डिस्काउंट रेट, और अगर किसी पे नेगेटिव आ जाता है तो हम बोलते हैं प्रोजेक्ट रिटर्न इज लेस देन दैट डिस्काउंट रेट। तो हमें यह तो पता चल गया कि प्रोजेक्ट रिटर्न 10% से तो बड़ा है और 12 से छोटा है, लेकिन कितना है क्या उसके लिए अब हमें करना होगा ट्रायल एंड एरर। क्लियर है या नहीं? तो वो कैसे करते हैं लिखो जरा, आईआरआर इक्वल टू होगा 10+। अब बच्चा कहता है 10+ क्यों लिखा, कौन बताएगा? क्योंकि 10 पे पॉजिटिव था ना, इसका मतलब प्रोजेक्ट का रिटर्न 10% से तो ज्यादा है और 12 से कम है। 12 से कम क्यों है? क्योंकि एट 12% मेरा एनपीवी क्या था? नेगेटिव। क्या ये सबको समझ आता है या नहीं? जल्दी बोलो फटाफट से,
कितने बच्चों को ये लाइन मेरी समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? सारे बच्चे बताएंगे क्या ये लाइन समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा 10% पे मेरा एनपीवी पॉजिटिव है, 12% पे मेरा एनपीवी नेगेटिव है, इसका मतलब प्रोजेक्ट का रिटर्न 10 से बड़ा है और 12 से छोटा है। तो प्रोजेक्ट का रिटर्न क्या 10 और 12 के बीच में है? बिल्कुल। तो वो 10 और 12 के बीच में कैसे निकलेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बोला, आईआरआर एक ऐसा रेट होता है जहां पर एनपीवी ना तो पॉजिटिव होना चाहिए ना नेगेटिव होना चाहिए, बल्कि वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वेरी गुड, क्या होना चाहिए, जीरो। अब बच्चा कहता है सर वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। कौन मुझे बताएगा यहां से यहां तक आने में ये कितना चेंज हुआ है, ये बताओ। व्हाट इज चेंज इन एनपीवी, ये बताओ। फ्रॉम 2000 से -500 व्हाट इज चेंज ऑफ एनपीवी, एनपीवी में कितना चेंज हुआ ये बताओ। 2000 से -500 व्हाट इज चेंज इन एनपीवी ये बताओ। 2500, वेरी गुड। तो अभी हम क्या लिखेंगे, 2500 का वेरिएशन, 2500 का वेरिएशन क्या 2% में आया? बिल्कुल सर। यानी कि 2500 का जो चेंज आया क्या उसके लिए हमने ऐड कितना करा, 2%। अब आप मुझे बताओ हमें 2000 से -500 पे आना था या जीरो पे जाना था? सर हमें एक ऐसा रेट चाहिए था जहां पर एनपीवी की वैल्यू जीरो होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 2500 के वेरिएशन में आपको 2% ऊपर आना है, तो 2000 के वेरिएशन में कितना प्रतिशत ऊपर आना है ये आपको कैलकुलेट करना है। कोई आंसर बताओ मुझे कितना आएगा, 2000 × 2 / 2500 +10 11.6% आंसर। कई बच्चों ने निकाल भी लिया था, वेरी गुड, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अभी कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन करा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन करा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। अभी आपको ये चीज मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है ना, दोबारा समझाए तो दोबारा समझाऊंगा, दोबारा चिंता नहीं करनी बेटा, चिंता नहीं करनी मेरे प्यारे दूत मित्रों, चिंता नहीं करनी। हाँ दोबारा कृतिका, एक बार दोबारा समझा देता हूं, दोबारा देख ले कृतिका। हमने हेडिंग बनाई है आईआरआर, इससे पहले मैंने कराया था पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक, एनपीवी और पीआई, चार मैंने करा दिए थे, ठीक है, लाइट जाने से पहले चार करा दिए थे। पांचवा मैंने जो उठाया है उसका नाम है आईआरआर। क्या नाम है? आईआरआर। आईआरआर की फुल फॉर्म होती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। लिख लो सारे, व्हाट इज आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, सबने लिखना बेटा, व्हाट इज आईआरआर सबने लिखना, वेरी गुड, इट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है प्रोजेक्ट रिटर्न, मतलब आपको क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है पता लगाओ कि इस प्रोजेक्ट का रिटर्न कितना है, यानी कि पता लगाओ आईआरआर कितना है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब पूछा गया आईआरआर होता क्या है, तो लिख लो, ये एक ऐसा रेट है जहां पर एनपीवी जो होता है ना वो जीरो होता है। किसी भी प्रोजेक्ट का एनपीवी अगर जीरो आ रहा हो तो इसका मतलब वो रेट एनपीवी, वो रेट जिस पर एनपीवी जीरो आया वही रेट प्रोजेक्ट रिटर्न कहलाता है। अब निकालते कैसे हैं, तो बेटा इसके लिए हमें ट्रायल एंड एरर करना होता है। तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल पिक करा, नहीं 100 से डिवाइड नहीं होगा बेटा क्योंकि ये ऑलरेडी परसेंटेज में है ना, तो इसलिए डिवाइड नहीं करना। देखो 10% पे एनपीवी 2000 है, तो मैंने क्या बताया था, जब जब किसी भी रेट पर अगर प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि प्रोजेक्ट का रिटर्न उस रेट से ज्यादा है। हाँ सर बोलते हो आप, तो इसका मतलब क्या प्रोजेक्ट का रिटर्न 10% से तो ज्यादा है, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट का एनपीवी एट 12% -500 है और अगर किसी भी रेट पर एनपीवी नेगेटिव है तो क्या प्रोजेक्ट का रिटर्न उस रेट से कम है। तो यहां से हमें यह पता चल गया कि जो भी प्रोजेक्ट का रिटर्न है वो 10 से ऊपर है, 12 से नीचे है। अब वो कितना है वो हमने यहां पे निकाल दिया। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया, सुन लीजिए दोबारा से, कैसे पता लगाते हैं। हमने पता चल गया 10 और 12 के बीच में, तो हमने लिखा 10 प्लस। अब कितना प्लस करना है वो सवाल है। तो देखो एनपीवी में वेरिएशन कितना आ रहा है 2500 का, तो फॉर 2500
क्या हमने 2% का वेरिएशन लिया? बिल्कुल, 2000 से माइनस 500 इट इज अ वेरिएशन ऑफ 2500. 2500 के वेरिएशन के लिए क्या हमने 2% ऊपर आना पड़ा? बिल्कुल. लेकिन मुझे बताओ, क्या हमें एक ऐसा रेट चाहिए था जहां पे एनपीवी क्या हो? जीरो. तो बेटा मुझे 2000 से कहां जाना था? जीरो. तो मैं ये कह रहा हूं कि 2000 से माइनस 500 तक आने के लिए अगर हमें 2% प्लस करना पड़ रहा है, तो 2000 से जीरो तक आने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? बस ये सवाल है. तो उन्होंने बोला भाई 2000 से माइनस 500 यानी कि 2500 के लिए 2%, तो 2000 के लिए कितना? दैट इज 1.6. इसको 10 में ऐड करा, आंसर इज 11.6%. ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, ट्राई करेंगे. लिखो, एनपीवी एट 15% इज 5000, एनपीवी एट 17% या 18% इज माइनस 1000. पता लगाओ आईआरआर क्या है. तेजस, 2000 कैसे आया? बेटा देख, मैंने तेरे को क्या बोला, तेरे को जीरो पे जाना है. तो 2000 से जीरो पे जाना है, तो इसका मतलब तुझे जो वेरिएशन चाहिए वो 2000 का चाहिए. तो 2500 के लिए 2%, तो 2000 के लिए कितना? समझ रहे ना, तुझे जीरो पे जाना है, ये ध्यान रख. माइनस 500 तक आने के लिए 2%, तो जीरो तक जाने के लिए कितना परसेंट? ये मेरा यूनिटरी मेथड है. ये वाला आंसर कौन देगा? क्या बात है, 17.5% बच्चों ने निकाल भी लिया. ये होती है बात. ये करिए मजेदार बात आपने. वेरी गुड, वेरी गुड. कैसे आया बताना जरा, एक बारी कोई मुझे आंसर देगा इसका, कैसे आया? बच्चा कहता है सर देखो 15+. मैंने कहा ठीक है. कहता सर देखो यहां से यहां तक आने का गैप है 6000, और उसके लिए मुझे 3% ऊपर आना पड़ेगा. बट मुझे 5000 से माइनस 1 पे आना था या 0 पे, तो आपका रिक्वायर्ड गैप था 5000. अब इसको हमने सॉल्व करना है, बस खत्म. क्या बात है प्रवीण, वेरी गुड, वेरी गुड रोमित, वेरी गुड प्रवीण, वेरी गुड रोमित. कमाल कर दिया बेटा, आईआरआर समझ आ गया बेटा. आईआरआर लिखो, ड्रॉबैक ऑफ आईआरआर. आईआरआर अप्रोच जब हम निकालते हैं ना, तो उसमें एक ड्रॉबैक है. लिख लो, व्हाट इज ड्रॉबैक ऑफ आईआरआर? ड्रॉबैक ऑफ आईआरआर, व्हाट इज ड्रॉबैक ऑफ आईआरआर? लिख लीजिए, लिख लीजिए ड्रॉबैक ऑफ आईआरआर क्या है. इट इज अज्यूम्ड दैट It is assumed that every year amount is reinvested. हर साल ये पैसा reinvest किया जाता है. हाँ जी, IRR का drawback क्या है? हर साल ये पैसा reinvest किया जाता है. At same rate of return. हर साल हम इस पैसे को reinvest करते हैं at same rate of return. Same rate of return पे हम हर साल इस पैसे को क्या करते हैं? Reinvest करते हैं. बोलो मेरे साथ, every year we reinvest the money at the same rate of return. ठीक है जी, बोलो मेरे दोस्तों. और इसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट आया, मॉडिफाइड आईआरआर.
इसको MIRR भी बोलते हैं, मॉडिफाइड IRR, लिखो मॉडिफाइड IRR, ठीक है ना। अब इसके लिए ना थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो बेटा, हाफ पेज छोड़ देना, हाफ पेज छोड़ देना, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कंप्यूटेशन ऑफ MIRR, ठीक है जी। पेज छोड़ के लिख दो, आधा आधा क्या, एक ही छोड़ दो यार, क्या हो गया, तुम्हारे पास तो पेजेस वैसे ही बते रहे हैं, ठीक है जी। सारे बच्चे छोड़ दीजिए, आधा पेज या एक पेज छोड़ देंगे सारे, ठीक है बेटा। चलो अब आ जाओ जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ARR। पहले पहले मैं जनरल सारा खत्म करा दूं जो इंपॉर्टेंट है, लास्ट में करेंगे हम MIRR। लिखो ARR का फुल फॉर्म है अकाउंटिंग, कई बुक्स अकाउंटिंग बोलती है, कई बुक बोलती है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मतलब आपको यह पता लगाना है कि हमारा रिटर्न कितना है, हमारा रिटर्न कितना है। तो यह बहुत सिंपल होता है, लिखो एवरेज पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें CF18 नहीं चाहिए होता, पैट चाहिए होता है, पैट, पैट की फुल फॉर्म प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिवाइड बाय, या तो हम इसको करते हैं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, या फिर हम करते हैं एवरेज पैट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, दो फॉर्मूले होते हैं, लिख लीजिए, या तो डिवाइड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट या फिर डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। पैट 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 पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कोई मुझे बताएगा पैट कैसे निकलेगा, बिल्कुल जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, इधर देखो ये होता है पैट, मतलब अगर आप डेप ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, CF80। सारे फॉर्मूलाज में हमने CF80 चेक करा था, यानी कि सारे फॉर्मूला जितने भी मैंने पढ़ाए थे सब में क्या चाहिए था, CF80 चाहिए था बेटा, सब में क्या चाहिए था, जल्दी बोलो, CF80 चाहिए था। ये इकलौता ऐसा फॉर्मूला है जहां पर आपको क्या चाहिए, पैट। तो अगर गलती से भी CF80 गिवन है, कौन बताएगा पैट कैसे निकलेगा, वेरी वेल डन बुशरा, वेरी वेल डन। अगर क्वेश्चन में CF80 गिवन है तो आप क्या करोगे, डेप्थ को वापस माइनस टू गेट पैट, वेरी गुड, लिख लीजिए। इफ CF80 इज गिवन इन द क्वेश्चन, वी विल कैलकुलेट पैट By adding depreciation, ओए adding नहीं ओए, check कर रहा हूं तुम्हारे को मैं, subtracting depreciation, हम इसमें से depreciation को subtract करेंगे, सबको clear है या नहीं, और उसके बाद आप कर देना average, आवाज मारो क्या कर देना इसका, average कर देना, हाँ जी सारे बोलो क्या करेंगे आप इसका, average। तो आप लिखो यहां पर, मैं आपको लिखवाता हूं, ईयर 1, 2, 3, 4 CF80 दिया हुआ है 1,90,000, 90,000 1,00,000, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 25,000, और आपने धंधे में पैसा लगा रखा है 2,00,000, फाइंड करो ARR कितना आएगा, फाइंड करो ARR कितना आएगा, बच्चा कह रहा है सर आवाज में प्रॉब्लम है, माइक सेट कर लो, आवाज में दिक्कत आ रही है क्या, क्या करूंगा, कोई बताएगा मुझे, सर 4 साल है,
चारों सालों का सीएफ 80 गिवन है, 1,90,90,1 डेप्रिसिएशन भी गिवन है 25,25,000 तो यहां से पहले मैं निकालूंगा पैट 75,65,65,75 फिर मैं निकालूंगा एवरेज पैट ₹280/4 70,000 ARR का फॉर्मूला क्या होगा 70,000 अपॉन में ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,00,000 इनटू 100 35% साउंड लो है, तेज तो मैं कर सकता हूं बट आपको परेशानी होगी। चलो मैंने देखो तेज करी है थोड़ी सी, बताओ जी ARR सबको क्लियर हो गया या नहीं? एक भाई सारे बच्चे कंफर्म करेंगे क्या हमें ARR पल्ले पड़ गया। बहुत बढ़िया यार। अब देखो आपके ना, मैंने जब आपने क्लास स्टार्ट करी थी ना तो मैंने इसके टॉपिक्स लिखवाए थे आपको और हम बड़ी खूबसूरती से क्वेश्चंस में थ्योरी भी साथ साथ कर रहे हैं। लो जी, अब पेबैक डिस्काउंटेड पेबैक एनपीवी आईआरआर एआरआर प्रॉफिटेबिलिटी एमआईआरआर बाद में कराना है मुझे, ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाओ जरा एडवांस कैपिटल बजटिंग थर्ड पार्ट, ऊपर हेडिंग डालो एडवांस कैपिटल बजटिंग। लिखो एडवांस कैपिटल बजटिंग। सबने लिखना फटाफट से एडवांस कैपिटल बजटिंग। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक लिखो एक्सपेक्टेड एनपीवी। हाँ जी, सबने लिखना है एक्सपेक्टेड एनपीवी। हाँ जी, एक्सपेक्टेड एनपीवी, एक्सपेक्टेड एनपीवी कैसे निकलता है? सिग्मा एनपीवी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, बस खत्म। मान लो आपको चार एनपीवीज दी हुई है और उनके होने की संभावनाएं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज गिवन है, तो आपने बस कुछ नहीं करना, हर एनपीवी को उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। लिखो एग्जाम्पल, मान लो हमारा प्रोजेक्ट का एनपीवी जो है वो -2,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, और इसके होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.2, 0.3, 0.5। आपको निकालना है एक्सपेक्टेड एनपीवी। हाँ जी, आपको निकालना है एक्सपेक्टेड एनपीवी, तो कैसे निकलेगा बताओ, एनपीवी इनटू प्रोबेबिलिटी -400, 3,000 और 10,000। 13,000 में से 400 गया, 12,600। ठीक है जी, बस खत्म। और ये कब निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, किसी को रीजन याद है, लॉजिक याद है, किसी को लॉजिक याद है, एक्सपेक्टेड एनपीवी कॉन्सेप्ट कब आता है? देखिए हमेशा याद रखना, जब भी आप फोरकास्टिंग करते हो तो आप मुझे बताओ क्या फोरकास्टिंग
अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंस किया जाता है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में फोरकास्टिंग होती है ना। हम लोग जब भी फोरकास्टिंग करते हैं तो वी फोरकास्ट अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। सो जब हम डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में फोरकास्टिंग करते हैं तो याद रखो हमेशा, जब भी आप डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में फोरकास्टिंग करते हो तो क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, क्या मोर देन वन आउटकम आएगा, और जब एक से ज्यादा आउटकम आते हैं तो वहां पर रिजल्टेंट क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस। तो याद रखना, जब भी हमें लगेगा कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वहां पर हम कॉन्सेप्ट किसका यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी का। और जब आप प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट यूज करोगे ना तो आंसर हमेशा क्या आएगा, एक्सपेक्टेड एनपीवी। वेरी वेल डन। अब लिखो जरा, सेकंड टॉपिक है इसका रिस्क इन प्रोजेक्ट। आप में से कोई मुझे बताएगा प्रोजेक्ट में रिस्क का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। लिख लीजिए, रिस्क इन प्रोजेक्ट का यहां पर मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सबने लिखना है बेटा, रिस्क का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। एवरीबॉडी कम ऑन यार, व्हाट इज रिस्क, सबने बोलना है व्हाट इज रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट इज रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्वीटी कह रही है कि सर आपका मैराथन आएगा क्या सीए इंटर के लिए एफएम का। चलो स्वीटी, मैं आज आपके ग्रुप में डाल दूंगा मेरे बच्चे, पक्का प्रॉमिस। वैसे अगर आप ये भी देख रहे हो ना तो ये पूरा सेम ही है स्वीटी। अगर तूने पढ़ा होगा तो सीए इंटर में भी तो तूने यही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, यस और नो, बोल स्वीटी बोल। क्या नाम है कृतिका, नहीं सेम टाइम पे नहीं होगी, मैं रात को लूंगा बेटा। लिखो, रिस्क का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, लिख लीजिए एनपीवी माइनस एनपीवी बार का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। ये अगर आपने पोर्टफोलियो पढ़ा हो ना, एनपीवी माइनस एनपीवी बार का होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन देता है। ठीक है, ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन देता है। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली यहां पर रिस्क बोलता है, रिस्क। ये सेम वहां पर हम आर बार लिखते थे अगर आपको याद हो तो, आर माइनस आर बार इनटू प्रोबेबिलिटी। यहां पर आर के बदले में वर्ड क्या आ रहा है, एनपीवी आ रहा है। यहां पर शब्द आर के बदले में वी आर यूजिंग द वर्ड एनपीवी, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, चलो। सो एक क्वेश्चन अगर आप कहते हो तो मैं आपको दे देता हूं। मान लो एक प्रोजेक्ट है, उसका एनपीवी है माइनस 2000, छोटा कर लेते हैं चलो, माइनस 200, 400, 600, और उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.2, 0.3, 0.5। आपको निकालना है रिस्क एज वेल एज, हाँ जी, एक तो आपको रिस्क निकालना है बेटा और एक आपको निकालना है एनपीवी बार। फटाफट से बताइए कैसे निकलेगा। पहले आप मेरे को दिखाइए एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में, हाउ यू आर गोइंग टू गेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, जल्दी बताना है। बच्चा कहता है सर मैं एनपीवी को प्रोबेबिलिटी से कर दूंगा मल्टीप्लाई, माइनस 40, 120, 300, तो टोटल 420 में से 40 चले जाएंगे, क्या 380 बचेगा। वेरी गुड। और फिर रिस्क निकालने के लिए एनपीवी माइनस एनपीवी बार का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी करना है, तो माइनस 200 माइनस 380, माइनस 580 आएगा, इसका स्क्वायर करो इनटू 0.2 करो, 67280। एक बार अपने हाथ से निकाल के देख लो आ रहा नहीं आ रहा,
ये कैसे आया 67 माइनस 200 में से मैंने माइनस करा 380 उसका स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी 0.2। ऐसे ही 400 में से 380 माइनस करो 20 का स्क्वायर 400 इनटू 0.3 120। ऐसे ही 600 में से 380 माइनस करो 220 का स्क्वायर इनटू 0.5 ये आएगा 24,200 रुपए। क्या सबको क्लियर है या नहीं? एक बारी प्लीज सारे बच्चे कंफर्म करेंगे, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? एक बारी कंफर्म करो जल्दी जल्दी से, ये सबसे कैलकुलेट हुआ या नहीं हुआ जल्दी बताओ दोस्तों, आज नहीं तो कभी नहीं, दिल खोल के बताओ। वेरी गुड, तो आप लोगों को रिस्क निकालना आ गया, आप लोगों को समझ आ गया एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या होता है। वेरी गुड, अब यहां पर लिखो आरएडीआर वर्सेस सीई अप्रोच, इसको आमने सामने लिखना है बेटा। एक तरफ आरएडीआर लिखो और एक तरफ लिखो सीई अप्रोच, सबने लिखना है आरएडीआर वर्सेस सीई अप्रोच, आरएडीआर वर्सेस सीई अप्रोच, सबने लिखना है। वेरी गुड, आरएडीआर, आरएडीआर की फुल फॉर्म लिख लो, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, सीई अप्रोच सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। देखो मैं बताता हूं क्या होता है ये, एक बार फिर से क्या बेटा गुप्ता जी, फिर से क्या बताना है बताओ, नाम बताओ। आरएडीआर का फुल फॉर्म रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट और सीई का मतलब होता है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। बोलो मेरे दोस्तों, अब ध्यान से सुनो क्या होता है। देखिए आरएडीआर क्या कहता है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट क्या कहता है, कहते हैं मान लो दो प्रोजेक्ट है ए और बी, इसका कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, याद है आपको हमने पोर्टफोलियो में पढ़ा था सीवी कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, ये भी रिस्क को ही डिनोट करता है। इसका सीवी है 8% और इसका सीवी है 15%। तो आप मुझे बताओ जिसका सीवी ज्यादा होता है क्या उसमें रिस्क ज्यादा होता है? किसी को याद है, जिसका सीवी ज्यादा उसमें रिस्क ज्यादा, तो आप मुझे बताओ इन दोनों में रिस्की कौन है? सिंस सीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी इज हायर सो प्रोजेक्ट बी इज मोर रिस्की। सिंपल सी बात है, प्रोजेक्ट बी जो है वो ज्यादा रिस्की है क्योंकि उसका सीवी ज्यादा है। प्रोजेक्ट बी का सीवी ज्यादा है, इसका मतलब प्रोजेक्ट बी जो है वो ज्यादा रिस्की है। वेरी गुड, अब लिखो जरा, जो प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की होता है क्या उस प्रोजेक्ट में क्या हमारी डिजायर्स भी ज्यादा होती है? यस, इसीलिए लिखो जरा, इट देयरफॉर या इट एम्प्लाइज प्रोजेक्ट बी शुड बी डिस्काउंटेड विद हायर रेट ऑफ रिटर्न। कोई रीजन देगा इसका? प्रोजेक्ट बी की डिस्काउंटिंग होनी चाहिए विद हायर रेट ऑफ रिटर्न, इसका कोई मतलब बताओ मुझे।
इसका मीनिंग बताना है आपने, प्रोजेक्ट बी की डिस्काउंटिंग होनी चाहिए विद द हायर रेट ऑफ रिटर्न, इसका मतलब बताना है आपने, और रीजन दो क्यों, यानी कि इसकी डिस्काउंटिंग होनी चाहिए विद हायर रेट ऑफ रिटर्न का मतलब लोगों को इस प्रोजेक्ट से क्या ज्यादा रिटर्न चाहिए, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इसमें लेवल ऑफ रिस्क ज्यादा है, और ऐसा रेट, सच रेट जो कि बेस्ड ऑन रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट होता है, उसी को कहलाता है, वही कहलाता है, वही कहलाता है, आवाज मारो, क्या कहलाता है, आर ए डी आर, सारे बोलेंगे क्या कहलाता है, आर ए डी आर, कोई फुल फॉर्म बताएगा आर ए डी आर क्या है, एक ऐसा डिस्काउंट रेट जो रिस्क पर निर्भर करता है, ज्यादा रिस्क ज्यादा डिस्काउंट रेट, लो रिस्क लो डिस्काउंट रेट, वो डिस्काउंट रेट जो रिस्क पे निर्भर करे, क्या उसी को बोलते हैं आर ए डी आर, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, समझ में आया या नहीं आया जल्दी बता दो, एक बारी प्लीज कंफर्म करेंगे व्हाट इज आर ए डी आर, मैंने कहा सारे बच्चे बताएंगे व्हाट इज आर ए डी आर, व्हाट इज आर ए डी आर, अ डिस्काउंट रेट एट विच, जो कि जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना डिस्काउंट रेट भी ज्यादा होगा, क्या सबको क्लियर है या नहीं, बोलो बेटा, तो मेरा एक सवाल है, अगर इसका सीवी 8 है और इसका सीवी 15 है तो कौन से वाले प्रोजेक्ट में आप हायर आरएडीआर का यूज करोगे ये बता दो, इन विच प्रोजेक्ट यू विल यूज हायर आरएडीआर एंड व्हाई, इन विच प्रोजेक्ट यू विल यूज हायर आरएडीआर एंड व्हाई, वेरी गुड, और रीजन क्या है, वेरी गुड, बेहतरीन, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, जबरदस्त, शानदार, मजा आ गया, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, सीवी सीवी खुशी सीवी हमने पोर्टफोलियो में पढ़ा था, सीवी कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन, सीवी का मतलब होता है कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन, और सीवी कैसे निकलता है वो भी लिख लो, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एनपीवी बार इनटू 100, लिख लो, ये मैंने सिखाया हुआ है मेरे बच्चे पोर्टफोलियो में, मैंने सिखाया हुआ है, आपको याद होना चाहिए था, कितने बच्चों को समझ आ गया, प्लीज एक बारी ओके कर दीजिए, बस एक बारी बस आपने ओके करना है, सर समझ में आ गया, कोई बात फर्क नहीं पड़ेगा, एक बारी ओके करने से किसी के कोई पैसे नहीं लग रहे, वे लल्लू संयम आर कहां से होता है, वो क्या हो गया तेरे को, ठीक है अब लिखो जरा, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच क्या होती है, लिखो जरा, दिस अप्रोच इज यूज्ड टू convert uncertain cash flows to certain cash flows, मतलब यह approach हमें help करेगी कि हम लोग इस approach की मदद से जितने भी हमारे uncertain cash flows हैं उन्हें हम certain cash flows में convert करेंगे, ठीक है ना, क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं, देखो आपने मुझे बोला सर हां जी हम ना 20 लोग आएंगे आपके घर में डिनर करने, हां जी मैंने आप सबको इनवाइट करा है, और आप मुझे क्या कह रहे हो कितने लोग आओगे आप,
जल्दी बताओ कितने लोग आओगे आप? बच्चा कह रहा है सर हम 20 लोग आएंगे, 20 आपके घर में डिनर करने के लिए। मैंने कहा अच्छा अच्छा 20 लोग आ जाओगे, आर यू श्योर? आपने कहा सर 90% श्योर, 90% श्योर, 90% श्योर है कि हम 20 लोग आएंगे। अब वो क्या कह रहा है ध्यान से सुनना, 20 स्टूडेंट विल कम विथ चांसेस दैट 90% चांस है कि 20 लोग आएंगे, 18 लोग आएंगे, क्या ये 100% है? जैसे ही आप किसी भी अनसर्टन को उसके सीई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो बन जाता है सर्टन नंबर। 20 लोग आएंगे विद चांसेस ऑफ 90% मींस 18 लोग आएंगे, इट इज 100% श्योर। क्या सबको क्लियर है या नहीं? आर यू श्योर? जल्दी जल्दी बताओ क्या ये बात समझ में आ गई? 20 पीपल विल कम टू योर प्लेस, द चांस फॉर दैट इज 90%, विच मीन्स 18 पीपल विल कम, दैट इज फॉर श्योर। वेरी गुड। सुचित्रा मल्टीप्लाई कर दिया ना बेटा, अब मान ले क्या नाम है तेरा सुचित्रा, सोच सोच सुचित्रा, चलो ऐसे प्लान करो कि मान लो आपके घर में शादी है ना, और लड़के वाले कह रहे हैं जी हम बारात लेकर आएंगे 1000 लोगों की। अब मुझे एक बात बता, ये जो बोल रहे हैं 1000 लोगों की, डू यू थिंक 1000 लोग आएंगे? नहीं। तो हमने उनसे पूछा कि सर एक बात बताओ, 1000 लोग जो आप बोल रहे हो कितने परसेंट चांस है कि ये 1000 के 1000 आएंगे? तो उन्होंने बोला जी 80% चांस है। तो अब मुझे बता दे क्या तुम 1000 लोगों का खाना उनके लिए, मान लो तुम्हारे घर से सिर्फ तुम 4 बंदे जाओगे 5 बंदे जाओगे, इन्हीं को पार्टी दे दो कोई बात नहीं, तो मुझे बताओ क्या तुम 1000 लोगों का खाना बनाओगी? नहीं। तो तुम क्या बोलोगी? 1000 पीपल विल कम विद 80% चांस मींस 800 लोग आएंगे, ये 100% है। तो कम से कम कितने लोगों का खाना बनाना पड़ेगा? 800 लोगों का खाना बनवाना पड़ेगा। समझ आ गया या नहीं? कितने बच्चों को पल्ले पड़ गया एक बारी प्लीज कंफर्म कर दीजिए, एवरीबॉडी प्लीज। देखिए जिंदगी में ये मौके बार बार नहीं मिलते बेटा, आप बड़े खुश नसीब हो कि आपको ये मौके मिल रहे हैं बार बार बोलने के लिए कि बताओ। क्या बात है, दिव्या हंस रही है, दिव्या हंसी, दिव्या कहती है सर ने मेरे क्वेश्चन पूछने पूछने में शादी की बातें करा दी। चलो तो सर्टनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच क्या करती है जल्दी बताओ, क्या ये अनसर्टन कैश फ्लोज को सर्टन में कन्वर्ट करती है? हाँ। अब मेरे को एक बात बताओ, सोचना जरा, सोचना जरा। अब बच्चा कहता है अब आगे क्या? तो वो कहता है जब कैश फ्लो सर्टन हो चुके हैं, जहां सर्टनिटी आ जाती है, क्या वहां रिस्क खत्म हो जाता है? यस। तो लिखो इन सच केस, डिस्काउंट रेट फॉर कंप्यूटिंग एनपीवी, जब भी हम एनपीवी निकालेंगे तो उसका जो डिस्काउंट रेट होगा वो रिस्क फ्री रेट होगा। वहां पर आप क्या यूज करोगे? रिस्क फ्री रेट। लिख लो वहां पर आप क्या यूज करोगे? रिस्क फ्री रेट यूज करोगे। बोलो मेरे पीछे पीछे क्या यूज करेंगे सारे बच्चे? बोलो रिस्क फ्री रेट यूज करेंगे। वहां पर क्या यूज करेंगे जल्दी बोलो? रिस्क फ्री रेट। बोल दो बेटा, देखो एटीट्यूड यही रह जाता है आदमी का। कोई भी आज तक इतिहास गवाह है कि अपने साथ अपना एटीट्यूड लेकर नहीं गया, हर आदमी का एटीट्यूड यही पड़ा रह गया, वो सोचता रह गया कि भाई मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बहुत बढ़िया। अब आप बच्चा कहते हैं सर आपने आमने सामने क्यों लिखवाया? तो देखो जो लोग सीई अप्रोच यूज कर रहे हैं वो लोग यूज करते हैं रिस्क फ्री रेट टू कैलकुलेट एनपीवी, जो लोग आरएडीआर यानी कि जो लोग सीई अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे
तो वो अनसर्टन कैश फ्लो यूज करते हैं, तो वहां पे रिस्क होता है, तो इसलिए वो यूज करते हैं आरएडीआर यानी कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो एनपीवी निकालने के दो मेथड हो गए, वन आरएडीआर, वन रिस्क फ्री रेट। क्या सबको क्लियर है या नहीं? यार ममता क्या हो गया तेरे को, मैंने सात सात आंसर शीट दी है तुम्हारे को, कमाल करती हो ममता तुम भी। बताना जरा ममता को आंसर शीट दी कि नहीं दी मैंने, बता दो इस ममता को। ममता जी आंसर शीट साथ साथ आई है, ऐसे मत आप कहो। हाँ देखो भाई, बड़ी मेहनत कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए इस बार, सोचता हूं कि भैया किसी तरीके से तुम्हारे नंबर आने चाहिए। बस इसका प्रैक्टिकल कैसे आएगा, इशू क्वेश्चन होगा बस, और अगर वो लिखेगा सीई अप्रोच फॉलो करो तो वो तेरे को जान के आरएडीआर भी दे देगा, रिस्क फ्री रेट भी दे देगा। तो बस इतना याद रखियो कि सीई अप्रोच जब भी फॉलो करेगी तू तो तेरे को रिस्क फ्री रेट यूज करना है, और अगर तुम नॉर्मल अप्रोच में हो, सीई अप्रोच नहीं यूज कर रहे, तो वहां पर तेरे को डिस्काउंट रेट कौन सा लेना है, आरएडीआर लेना है। लिख ले, एक क्वेश्चन लिखवा देता हूं, लिखो। इनिशियल आउटफ्लो 1 लाख, 3 साल लाइफ है और हमें CF80 गिवन है, लिख लो 25,000, 80,000, 50,000 और इनका सीई दिया हुआ है सीई 0.9, 0.8, 0.7। अब तुम्हें वो जान के ना आरएडीआर भी दे देगा 12% और रिस्क फ्री रेट भी दे देगा 6%। तो कैसे सॉल्व करोगे, कोई बताएगा? कोई आप में से बताएगा इसको, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा मैं? आप में से कोई बताना चाहेगा हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? वेरी गुड। ये देखो, ये जो CF80 है ना, ये अनसर्टन है, इसको जैसे इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बन जाएगा सर्टन कैश फ्लोस। तो आप करना जरा 25,000 into 0.9, 22,500, 64,000, 35,000, ये सारे सर्टन हो गए। यहां पे डिस्काउंट रेट आरएडीआर नहीं यूज होगा, रिस्क फ्री होगा। बस हो गया क्वेश्चन। अब तू इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले। 6% से पहले तू मुझे बता वैल्यू क्या आई है। ये सारी प्रेजेंट वैल्यू में से 1 लाख माइनस कर दियो। सबको समझ में आया या नहीं, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बताएंगे। क्या सबको पल्ले पड़ गया? ये एटीट्यूड तो खा गया बच्चों को। निकिता क्या नहीं समझ आया? निकिता क्या नहीं समझ आया बता मेरे को। बेटा देखो, मैंने क्या कहा, ये कैश फ्लोज दिए हुए हैं, ये इनका सीई फैक्टर दिया हुआ है। मैंने क्या बोला, 25,000 ईयर वन में आएगा, इसके चांसेस कितने हैं, 90%। तो 22,500 आएगा, ये सर्टन हो गया। इसका मतलब जैसे ही आप हर नंबर को अपने सीई फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये सर्टन हो जाएगा। अगर ये सर्टन हो चुका है तो मैंने क्या कहा था, सर्टन मतलब रिस्क खत्म हो गया। जब रिस्क है ही नहीं तो भाई डिस्काउंट रेट कौन सा लोगे, आरएडीआर या रिस्क फ्री रेट? रिस्क फ्री रेट।
6% है ना यार। सर रिस्क 15% की है, कहां लिखा है 15% की है? भगवान कसम कुछ भी कुछ भी, ये नया क्वेश्चन दिया है मैंने, कहां है 15%? बताइए जरा सुचित्रा क्या हो गया है? चलो वेरी गुड, मेरे ख्याल से सबको फल पल्ले पड़ गया ये, ठीक है जी। तो देखो अब आपके क्या क्या हो गए, एडवांस कैपिटल बजटिंग हम कर रहे थे, अब ध्यान से देखो एडवांस में क्या क्या करा दिया मैंने आपको, एक्सपेक्टेड हो गया, ये हो गया, आरएडीआर हो गया, सीई हो गया। वाओ सर क्या स्पीड है आपकी, चार मैटर पहले करेंगे ईएसी ईएबी फिर सेंसिटिविटी फिर सिमुलेशन फिर कैपिटल रैशनिंग, ठीक है ना। लिखो जरा सारे, देखो सिमुलेशन जो है ना वो आपको थ्योरी में आएगा, तो पहले लिखो ईएसी ईएबी अप्रोच, ईएसी ईएबी अप्रोच, आधे घंटे में सारा हो जाएगा, 30 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो होपिंग फॉर 1:30 बजे तक वी विल बी फ्री। अब ये कैसे करते हैं लिखो जरा, देखो पहले तो ये अप्रोच यूज कब करनी है, लिखो व्हेन टू प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन हैव डिफरेंट लाइफ। यदि आपके पास दो प्रोजेक्ट दिए हुए हैं और दोनों की लाइफ अलग है, दो प्रोजेक्ट दिए हुए हैं दोनों की लाइफ अलग है, क्या मतलब है सर? मान लो वी हैव टू प्रोजेक्ट्स ए एंड बी, एक का एनपीवी है मान लो 20 लाख और प्रोजेक्ट की लाइफ है 6, एक का एनपीवी 22 है लेकिन प्रोजेक्ट की लाइफ है 10 साल, डिस्काउंट रेट है 10%। याद रखना ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट एनपीवी कंपेरेबल नहीं है, बताओ क्यों कंपेरेबल नहीं है, कोई रीजन दे सकता है why एनपीवी इज नॉट कंपेरेबल? हु कैन आंसर मी इन दिस क्वेश्चन why एनपीवी इज नॉट कंपेरेबल? सर एनपीवी कंपेरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट में क्या लाइफ अलग अलग है। वेरी गुड, कोई भी चीज कंपेरेबल कब होती है, जब बेस सेम होता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि पहली वाली एनपीवी आपने निकाली है आफ्टर कंसिडरिंग 6 इयर्स, दूसरी वाली एनपीवी निकाली है आफ्टर कंसिडरिंग 10 इयर्स, तो डेफिनेटली दोनों केसेस में एनपीवी अलग अलग हो रही है बट लाइफ भी अलग अलग है, तो यहां पर कंपेरिजन नहीं होगा। तो ऐसी अप्रोच में क्या निकालना होता है, ई ए बी अप्रोच निकालते हैं, इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट्स। सारे मेरे पीछे बोलेंगे क्या निकालना होगा, इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट्स निकालेंगे, सबने बोलना है बेटा क्या निकालेंगे आप, इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट्स निकालेंगे। बेटा अपना अपना मुंह यूज करो सारे, क्या निकालोगे आप, इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट्स निकालेंगे, अपना अपना मुंह स्वयं का सारे बच्चे यूज करेंगे, क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट्स। सर कैसे निकलता है फॉर्मूला लिख लो, NPV अपॉन PVAF। देखिए इसका ना डेरिवेशन मैंने क्लास में दिया होता है, अब आप समझिए कि मैं रिवीजन में सारी चीजें नहीं बता सकता है ना, तो मेरे ख्याल से अब आपको मैं ये डायरेक्ट बता रहा हूं, जिन बच्चों ने क्लास ली हुई है उनको मालूम है कि मैंने ये सारी चीजें डिराइव कराई है, कोई भी चीज मैं रट्टा नहीं करवाता। वेरी गुड वेरी गुड, अब जहां पर EAB ज्यादा आएगा ना वो आपका प्रोजेक्ट बेटर होगा, तो यहां पे 20 लाख डिवाइड बाय जरा 10% एन 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
4.355, 2,200,000 डिवाइड बाय 1.10 डिवाइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 6.144। अब आप सवाल कर लीजिए, जिसका ईएबी ज्यादा आएगा ना वो बेटर हो जाएगा, जिसका ईएबी सबसे ज्यादा आएगा वो बेटर हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये समझ में आया है, कह दो हमें समझ में आया है, कह दो बेटा, कह दो। वेरी वेल डन। बहुत शानदार। अच्छा आज सिक्योरिटी लॉ की क्लास मिस मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना? मजा आने वाला आपको, बहुत ज्यादा वाला, इतना मजा आपको पहले कभी नहीं आया होगा। ईएसी कब यूज करते हैं? ईएसी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कब यूज करते हैं? लिख लो, लिखो, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड व्हेन वी आर गिवन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट। सिर्फ आपको आउटफ्लो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, मान लो मशीन ए, मशीन बी, दो मशीन है, आपको ये बताना है कौन सी मशीन मैं खरीदूं। इसकी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है, मान लो ऐसे लिखो, ये मशीन 2,00,000 की है, ये 5,00,000 की है, इसकी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है 50,000 और इसकी 10,000, इसकी लाइफ है 4 इयर्स और इसकी लाइफ है 10 इयर्स। आपको बताना कि दोनों में से मशीन बेटर कौन सी है। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो एक मशीन महंगी है, देख रहे हो आप, महंगी है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बड़ी कम है और इसकी लाइफ भी ज्यादा है। और क्वेश्चन में लिखा है डिस्काउंट रेट कितना है, 10%। अब आप देखो सारी इंफॉर्मेशन किसकी दी हुई है, कॉस्ट की, तो यहां पे निकालेंगे ईएसी, और जहां पर ईएसी कम आएगा ना वो बेटर मशीन मानी जाएगी। हाँ, जहां पर मेरा ईएसी सबसे कम आएगा क्या वो मशीन सबसे बेटर मानी जाएगी, बात खत्म। वेरी गुड, वेरी गुड। आइए इसको करते हैं जरा। बैंड बज रहा है, बैंड बार, डांस कर लो सारे, 2 मिनट के लिए सारे बच्चे डांस कर सकते हैं। नाचो, बराती आ गए, बंगड़ा पाओ। चलो अभी तो देखो कैसे करेंगे, लिखो ईएसी का फॉर्मूला, लिखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस डिवाइड बाय पीवीएफ। क्या मतलब है, 2,00,000 प्लस, अब याद रखना ये एनुअल है, कितने साल तक, 4 साल तक, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू N4 रेट 10%,
डिवाइड बाय पीवीएफ एन फोर रेट 10%। और ऐसे इसका कैसे निकालोगे? 5 लाख आपने शुरू में खर्च करा, हर साल 10,000 खर्च करोगे 10 साल तक, डिवाइड बाय कर दो पीवीएफ, रोमित बस मल्टीप्लाई करना है बेटा, सीई अप्रोच में बस मल्टीप्लाई करते हैं। सोच रहा था यार सब कल आपने खूब डांस किया, मैंने कब डांस किया यार, मैंने तो कुछ नहीं करा। मेरे को आता ही नहीं है, चलो जी अब देखो किसका ईएसी कम आया क्या वो बेटर होगा, जिसका ईएसी कम आएगा क्या वो बेटर है। वेरी गुड, बहुत शानदार। प्रिया कह रही है सर एक बार पीवीएफ बता दो प्लीज। प्रिया वैसे देख मेरी बात सुन, मैं बता दूंगा लेकिन मेरी बात को समझ ले आराम से, तेरे को टाइम वैल्यू ऑफ मनी मिरर रिवीजन में प्लेलिस्ट में चेक कर, तेरे को टाइम वैल्यू ऑफ मनी मिल जाएगा, वो जरूर देख लियो। 1.10 डिवाइड, 4 बार इक्वल और लास्ट में ग्रॉस टोटल। प्रिया क्लास देख लियो, तेरे को बता दिया मैंने, ऐसे मत चली जाइए पेपर देने। चलो अब आ जाओ मेरे बेटा, ये भी खत्म हो गया हमारा। अब ऊपर लिखो जरा सेंसिटिविटी एनालिसिस, सबने लिखना है सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब ये जो एक दो टॉपिक है ना, ये जो एक दो टॉपिक्स है ये पेपर में ना प्रोबेबिलिटी की ये थ्योरी में आए ऐसा ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। देखो सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस, लिखना सबने। इन केस ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस वी ट्राई टू फाइंड आउट, we try to find out among various factor, amongst various factors like life, discount rate, initial outflows, which factor is most sensitive factor, कौन सा factor most sensitive factor है। किसी को याद है most sensitive क्या होता था, किसी को याद है most sensitive factor क्या होता था, कोई बता सकता हो आप में से, जिसका minor fluctuation आपका रिजल्ट बदल दे, क्या वो मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर होता है। लिख लो हूज माइनर फ्लक्चुएशन कैन चेंज आवर रिजल्ट, जिसका माइनर फ्लक्चुएशन आपके रिजल्ट को बदल दे, क्या उस फैक्टर को हमने यहां पर नाम दिया है मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। एक बार दोबारा बता दीजिए, विच फैक्टर इज द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर जिसका माइनर फ्लक्चुएशन कैन चेंज योर रिजल्ट्स। अब कई बार बच्चा कहता है सर इसका क्या मतलब है बताना, तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। अगर मैं कहूं कि आप 4 पेपर देकर आए हो, है ना, ये 100 नंबर का अटेम्प्ट करा, ये 80 नंबर का अटेम्प्ट करा, ये 70 नंबर का अटेम्प्ट हुआ, ये 50 नंबर का अटेम्प्ट हुआ,
बताओ इनमें मोस्ट सेंसिटिव पेपर कौन सा है? टेल मी विच पेपर इज द मोस्ट सेंसिटिव पेपर, पेपर 1, 2, 3, 4 बताओ, पेपर 1, 2, 3, 4 इन सब में मोस्ट सेंसिटिव पेपर कौन सा है ये बताओ। विच पेपर इज द मोस्ट सेंसिटिव पेपर, जल्दी जल्दी बताना है आपने, सबने सोच समझ के जवाब देना है, इनमें से कौन सा पेपर सबसे ज्यादा सेंसिटिव पेपर कहलाएगा? एवरीबॉडी कम ऑन यार, विच पेपर इज द मोस्ट सेंसिटिव पेपर? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, आप कह रहे हो ये पेपर जो है ना मोस्ट सेंसिटिव पेपर है, बताओ क्यों, कोई एक कारण बताओ, व्हाई दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पेपर? बिकॉज इसका माइनर फ्लक्चुएशन, इसका माइनर फ्लक्चुएशन इज गोइंग टू इंपैक्ट मी अलॉट। वेरी गुड, समझ आ गया या नहीं? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही जैसे मैं अगर ये कहूं कि मैंने जब एनपीवी निकाला, एनपीवी निकाला मैंने 20,000, और इस एनपीवी को निकालते समय हमने लाइफ कितनी अज्यूम करी थी? 4 साल। अगर लाइफ मान लो 10% से कम हो जाती है और आंसर आ जाता है -10,000, ठीक है, और इनिशियल आउटफ्लो हमने सोचा था 1,00,000, लेकिन अगर हमारा इनिशियल आउटफ्लो 20% से बढ़ जाए तो हमारा एनपीवी आएगा -10,000। तो आपको यह बताना है दोनों में सेंसिटिव कौन है, लाइफ सेंसिटिव है या इनिशियल आउटफ्लो? अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं, जिसका माइनर फ्लक्चुएशन मेरे रिजल्ट पे ज्यादा इंपैक्ट करेगा क्या वो मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर होगा? जल्दी बताओ बराबर से, कौन सा फैक्टर मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर होता है जिसका माइनर फ्लक्चुएशन आप पर ज्यादा इंपैक्ट करता है, क्या उसी को हम यहां पर क्या नाम दे रहे हैं? मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर का नाम दे रहे हैं। क्या सबको क्लियर है या नहीं? दैट फैक्टर इज बेसिकली कॉल्ड एज मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। उस फैक्टर का नाम क्या है? मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। तो अगेन टेल मी विच फैक्टर इज द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर, द फैक्टर हुज माइनर फ्लक्चुएशन इज गोइंग टू चेंज योर रिजल्ट इज द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। वेरी वेल डन यार, हुज माइनर फ्लक्चुएशन इज गोइंग टू गिव यू द मोर इंपैक्ट, दैट इज योर मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। ब्यूटिफुल, मतलब दिल खुश कर दिया आपने मेरा, मजा आ गया, बहुत बढ़िया यार। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? सेंसिटिविटी एनालिसिस समझ आया या नहीं? जिस फैक्टर से आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता हो क्या वो मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर कहलाता है? वेरी गुड। अब कई बार ना पेपर में ऐसा आ सकता है कि बताओ इसकी सेंसिटिविटी कैसे निकालेंगे, है ना? तो अब ये वैसे बड़ा लंबा प्रोसेस है, मैंने क्लास में तो खैर पूरा कराया आपको, तो मैं फिर भी कोशिश करता हूं, ठीक है? तो मैं आपको ना 2-3 चीजों का निकालना सिखा देता हूं। लिखो सेंसिटिविटी ऑफ इनिशियल आउटफ्लोस, और सेंसिटिविटी ऑफ, मैं आपको सिखा देता हूं एक इनिशियल आउटफ्लो का सिखा देता हूं, एक दिखा देता हूं मैं लाइफ का, और एक एनपीवी का। आपको मालूम है ना, देखो कितना बिगर, मतलब ह्यूज चैप्टर आप पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू आर अटेम्प्टिंग अ ह्यूज चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, एंड इन अ वेरी 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 यू नो इन डेप्थ वे में, यानी सारे टॉपिक मैंने कवर करे हैं। आई होप सबने नोटिस करा होगा इस चीज को कि इतना बढ़िया तरीके से हमने कवर अप कर लिया है। लिखो इनिशियल आउटफ्लो का सेंसिटिविटी एनालिसिस कैसे करते हैं, फॉर्मूला लिखो जरा, एनपीवी अपॉन इनिशियल आउटफ्लोस
इनटू 100, एनपीवी अपॉन इनिशियल आउटफ्लोज इनटू 100, लिख लीजिए एनपीवी डिवाइड बाय इनिशियल आउटफ्लोज इनटू 100, ठीक है जी। ये आपको देता है, आवाज मारो क्या, ये आपको देता है, कम ऑन यार बता दो ना, सेंसिटिविटी ऑफ इनिशियल आउटफ्लो। मैं अभी सिखाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। लाइफ का जब भी निकालना हो ना, देखो ऑलवेज कंप्यूट पेबैक पीरियड, आपको हमेशा पेबैक पीरियड निकालना है, आपको हमेशा क्या निकालना है, पेबैक पीरियड निकालना है, ऑलवेज यू हैव टू कैलकुलेट पेबैक पीरियड, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, रफली एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना, रफली एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो क्वेश्चन, एक एजम्पशन ले रहा हूं मैं, ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं, एजम्पशन ले रहा हूं मैं, मान लो हमारा इनिशियल आउटफ्लो है 1,00,000 और हमारा CFAT है 40,000 पर एनम, 40,000 पर एनम, हमने लाइफ ली हुई है 4 इयर्स, ध्यान से सुनिएगा, इसका पेबैक पीरियड कितना है ये बताओ। बच्चा कहता है सर इसका पेबैक पीरियड है 2.5 साल, बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब 2.5 साल में क्या हमें हमारा पैसा मिल जाएगा, बिल्कुल। ढाई साल में क्या हमें हमारा पैसा मिल जाएगा, बिल्कुल। लेकिन मेरे बच्चे लाइफ कितनी दी हुई है, 4 साल। अगर मैं ये कहूं कि फ्यूचर में प्रोजेक्ट की लाइफ अगर कम हो जाती है, 4 साल के बजाय 3 साल भी हो जाए, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरे को 2.5 से नीचे नहीं जाना है ना। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे पेपर में 100 नंबर का मैंने अटेम्प्ट किया, 80 आए चलेगा, 70 आए चलेगा, 60 आए चलेगा, 40 से नीचे ना जाए, क्योंकि 40 से नीचे गया तो गड़बड़ है। बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर भी सोच के बताओ, पेबैक पीरियड अगर 2.5 साल है और लाइफ 4 साल, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये 2.5 से नीचे जाए। क्या मेरी बात समझ आ रही है या नहीं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये 2.5 से नीचे जाए। कितने बच्चों को ये बात समझ में आती है, वी विल नेवर वॉन्ट कि ये 2.5 से नीचे जाए। तो आप मुझे बताओ कितना गैप आप ले सकते हो 1.5 साल का, तो इसकी सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा मालूम है, लाइफ माइनस पेबैक अपॉन लाइफ इनटू 100, ये फॉर्मूला बनेगा। यानी कि 4 माइनस 2.5, यानी कि 1.5 साल का क्या हम लोग गैप ले सकते हैं, बिल्कुल सर, डिवाइड बाय 4 इंटू 100। सर 37.5% इज द सेंसिटिविटी, इसकी सेंसिटिविटी कितनी आएगी, 37.5%। टेल मी इसकी सेंसिटिविटी कितनी आएगी, कौन बताएगा, सबने जवाब देना है, व्हाट विल बी द सेंसिटिविटी ऑफ दिस। ब्यूटीफुल, इसका मतलब हमारे पास मार्जिन है कितना, 37.5% का मार्जिन है। हम 37.5% तक अगर हमारे प्रोजेक्ट की लाइफ कम भी हो जाएगी ना, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये 37.5% से ज्यादा नीचे चला गया तो क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल सही बोला, ठीक है। अगर आपको कभी भी डिस्काउंट रेट का निकालना हो, किसका निकालना हो, डिस्काउंट रेट का, तो आपको पता है क्या निकालना होगा, IRR निकालना होगा। क्यों यार बताओ क्यों, क्योंकि IRR एक ऐसा रेट होता है जहां पर NPV क्या होती है, 0। तो मैं वहां तक तो बर्दाश्त कर सकता हूं कि अगर मेरा रेट घटते 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 IRR तक भी आ जाए चलेगा, लेकिन अगर वो IRR से नीचे गया तो क्या मेरा NPV नेगेटिव हो जाता है। हाँ, तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको यह कहूं कि आपका डिस्काउंट रेट दिया हुआ था 16% और IRR है 14%, तो मुझे बताओ कितना परसेंट, एक सेकेंड,
आईआर आ रहा है 18%। मुझे बताओ कितना परसेंट और अगर इन्फ्लेशन आ भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो 2% का वेरिएशन आपके लिए अलाउड है। मेरी बात समझ रहे ना? देखिए, आपको कितना चाहिए, 16, प्रोजेक्ट कितना दे रहा है, 18। अगर ये 18 से नीचे चला भी गया, अगर ये 18 से नीचे भी चला गया ना, हाँ, तो लिख लीजिए सेंसिटिविटी आएगी 2% ओवर 16% इंटू 100, तो 2/16 × 100 12.5% सेंसिटिविटी आ गई किसकी, डिस्काउंट रेट की। वेरी गुड यार, ब्यूटीफुल। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ना एक मन है कि एक क्वेश्चन ना मैं चाह रहा हूं कि हम लोग ना वहां से करें, अगर आप बोलो तो। मॉड्यूल का ना एक क्वेश्चन है जो मुझे करवाना चाहता हूं। देखो आप पता है क्या, देखो हम बिल्कुल एच पे खड़े हैं। कैन यू गिव मी 10 मोर मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स, बिकॉज इतनी मेहनत करने के बाद मैं चाहता नहीं कि यार आपको पेपर में कोई दिक्कत आए। हाँ बिल्कुल सही है प्रवीण, बिल्कुल सही बोल रहा है। पता है क्या, देखो अगर मैं कल करवाऊंगा ना तो रिदम टूट जाएगा, फिर मेरे को पूरा दोबारा से लिंक करना पड़ेगा। अभी मेरे को मालूम है सारा लिंक हुआ हुआ है। बड़े प्यारे बच्चे हैं मेरे, पता है क्या बोलते हैं, कहते सर आप करा दो ना, क्या दिक्कत है आपको। मैं बताऊं, भूख मेरे को भी लग रही है बेटा, ऐसी बात नहीं है, भूख हमें भी लगती है भाई। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ही लगती है खाली। अब ये ना एक क्वेश्चन है, देखना जरा सारे, देखो क्या लिखा हुआ है। अब दिख नहीं रहा होगा, एक बार ही थोड़ा सा सबने कोशिश करनी है देखने की। बड़ा कर दिया है मैंने, देखो वाह क्या बड़ा हो गया ये। तो पढ़ना जरा सारे क्वेश्चन को, सारे बच्चे जरा पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। देखो सेंसिटिविटी निकालनी है हमें 3 फैक्टर की। आपको 3 में से बताना है कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा सेंसिटिव फैक्टर है। एक तो प्रोजेक्ट कॉस्ट की, एक एनुअल कैश फ्लो की, और एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। तो मैं आपको ना एक इसका ना आसान तरीका और बताता हूं, ठीक है। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए सारे, लिखो इनिशियल आउटफ्लो 1,20,000, लिखो। एक ऑल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूं, ये आपको ज्यादा आसान लगेगा। इनिशियल आउटफ्लो 1,20,000, CFAT 45,000, लाइफ 4 साल, डिस्काउंट रेट 10%, ठीक है जी। अब आप पता क्या करो, पहले मुझे ओरिजिनल NPV निकाल दो। ये तुम्हें बड़ा मजा आएगा मैं बता रहा हूं, थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट ढंग से तमीज से पढ़ लो। NPV बताओ कितना आ रहा है, NPV CFAT इंटू PVAF माइनस इनिशियल आउटफ्लोस। पैंतालीस हजार इंटू 10% पे 4 ईयर का निकालना जरा,
3.17 माइनस करो 1,20,000 सर आएगा 22,650 रुपये। ठीक है ना। अब उसने कहा सेंसिटिविटी निकालो आउटफ्लो की। अब आप पता क्या करना, मान लो मेरा आउटफ्लो 10% से बढ़ जाता, बाकी सारा सेम रख दो, तो मेरा एनपीवी कितना आता? बस दोबारा एनपीवी निकाल दो, बस आउटफ्लो को 10% से बढ़ा दिया मैंने। मजा आएगा आपको, ये ज्यादा आसान लगेगा क्योंकि आपके आईसीएसआई मॉड्यूल में उन्होंने ऐसे सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो ठीक है ना, अगर आप आईसीएसआई के मॉड्यूल को देखोगे ना, तो दे आर गिवन यू सॉल्यूशन लाइक दिस एंड आई एम श्योर दैट यू विल फाइंड इट मोर इजी। बताओ नया कितना आएगा? सेम 45,000 इंटू 3.17 माइनस 1,30,000। एक सेकेंड, 10% से बढ़ाना है ना, 1,32 करना, 10% से बढ़ाना, मतलब परसेंटेज सेम होना चाहिए। 1,32 कर दो, 32 32 32। अरे ओ बच्चो, सर ये आएगा 10,650 रुपये, यानी कि हमारा एनपीवी इतने से चेंज हो गया। ठीक है, अब अगले वाले में हमें पता क्या करना है, लेट्स से कैश फ्लो में चेंज करना है, तो कैश फ्लो को 10% से गिरा दो। इसको 40,500 कर दो, बाकी सारा सेम रहने दो। अब बताओ क्या होगा, दोबारा से एनपीवी निकाल लो, 40,500 इंटू 3.17 माइनस में 1,20 सर ये आएगा 8,385 रुपये। ठीक है ना, अब फिर से क्या करो, लाइफ में चेंज लेकर आना है। अगर लाइफ में, अब फ्रैक्शन में आ जाएगा बस, फिर वो आप निकाल नहीं पाओगे। लाइफ छोड़ो, डिस्काउंट रेट में कर लो, हालांकि उन्होंने भी लाइफ पूछा नहीं, उनको मालूम था फ्रैक्शन में आएगा। तो डिस्काउंट रेट में ना आप 10% से बढ़ा दो, तो ये 11% कर दो। दोबारा एनपीवी निकालो, आप देख रहे हो मैं हर फैक्टर को 10% से बदल रहा हूं। बस इस बार रेट मैंने 11 कर दिया, तो पीवी एएफ की वैल्यू बदल जाएगी। सर 19,500, वेरी गुड यार, ब्यूटीफुल। एक बार चेक करो सबका यही आया है। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब देना है। सब तैयार हो क्या? आप सब तैयार हो आंसर देने के लिए? आर यू ऑल रेडी टू गिव मी आंसर? बच्चा कहता है यस सर वी आर रेडी। तो अगर रेडी हो तो ध्यान से सुनो, सब में 10% चेंज आया। हां सर, लेकिन एनपीवी सबसे ज्यादा कब गिरी ये बताओ। चेंज सब में बराबर है, बट एनपीवी सबसे ज्यादा कब गिरा ये बताओ। क्या यहां गिरा? तो अगर मैं आपसे पूछूं सब में सेंसिटिव फैक्टर कौन है, तो लिख दो कैश फ्लो इज द सेंसिटिव फैक्टर। वेरी गुड, तो लिख लो मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर इज द कैश फ्लो। सब लिख लीजिए मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर इज द कैश फ्लो।
इनमें मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर कौन है बेटा? कैश फ्लोस। वेरी गुड वेरी गुड। मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर क्या है? कैश फ्लोस। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया ये। टेल मी विच इज अ मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। वेरी आई एम वेरी श्योर ये आपको ज्यादा इजी लगा होगा। बोल दो मेरे दोस्तों, कह दो ये आसान लगा है। कह दो। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से ये भी अब आपको समझ में आ गया है। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? कैन वी लॉक दिस कॉन्सेप्ट? ग्रेट। अब लिखो नेक्स्ट सिमुलेशन। अगला कॉन्सेप्ट लिखना है आपने, सिमुलेशन। हाँ हाँ, आप चेक कर लो। देखो इन्होंने खुद लेट करा है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये मॉड्यूल है। इन्होंने कहा, देखो इन्होंने नीचे क्लैरिफाई भी करा है, बच्चा अगर चाहे तो 15 भी ले सकता है, 20 भी और 25 भी। बच्चे की मर्जी है कि वो कितना भी परसेंटेज चेंज ले सकता है। उन्होंने बच्चों पे छोड़ दिया है कि बच्चे को जो पसंद है उसको लेने दो, बच्चा सच्चा है, दिल का सच्चा है। बेटा एक बार ही प्लीज कंफर्म कर दीजिए, क्या सबको पल्ले पड़ गया या नहीं, बस इतना बता दो मेरे को। सारे बच्चे एक बार ही कंफर्म करेंगे क्या आपको समझ में आ गया है। देखिए एटीट्यूड यहीं पड़ा रह जाएगा। चलो अब सारे लिखेंगे जरा नेक्स्ट। हां जी सबने लिखना है। सिमुलेशन। सारे बच्चे फटाफट से लिखेंगे सिमुलेशन। सिमुलेशन। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। ऐसे बच्चे नहीं मिलते भाई, जितना मर्जी तुम कर लो बट ये बच्चे नहीं मिलते। लिखो सिमुलेशन। किसी को याद है सिमुलेशन क्या था? काला जादू। हाँ जी काला जादू बोलते थे हम इसको, याद है कि नहीं? भूल गए? हाँ लिखो 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 लिखो। इट इज अ प्रोसेस विच हेल्प्स। इट इज अ प्रोसेस विच हेल्प्स टू प्रेडिक्ट फ्यूचर, जो आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में आपकी मदद करेगा। यूजिंग रैंडम नंबर्स, आपको याद है ना हम इसमें रैंडम नंबर यूज करते थे फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए, हम यूज करते थे रैंडम नंबर्स। वेरी गुड, आबरा खड़ाबरा, क्या बात है, याद है वैसे, है ना? इसमें हम क्या यूज करते थे जल्दी बताओ? रैंडम नंबर यूज करते थे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। एक भाई प्लीज सारे बताएंगे, वी यूज टू यूज द रैंडम नंबर टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। फ्यूचर का प्रेडिक्शन किया जाता था यूजिंग रैंडम नंबर्स। वेरी वेल डन। यूज करते थे रैंडम नंबर्स को टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। वेरी वेल डन, ठीक है ना?
अब इसमें देखो मैं आपको दोनों प्रैक्टिकल नहीं आएगा, हालांकि हमने तो क्लास में प्रैक्टिकल भी करा हुआ है, इनफैक्ट आपके स्टडी मैट के अंदर ही अगर आप देखोगे ना तो प्रैक्टिकल नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। मोंटी कार्लो सिमुलेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मोंटे कार्लो सिमुलेशन। अब जिनको मैंने क्लास में कराया हुआ है बस वो एक बार ही उसको देख लेंगे, ठीक है, मोंटे कार्लो सिमुलेशन सबने बोलना है, क्या बोलते हैं इसको, मोंटे कार्लो सिमुलेशन सबने बोलना है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, मोंटे कार्लो सिमुलेशन, ठीक है ना। एंड दिस हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर्स। कुछ याद आ रहा है कि नहीं, ठीक है सर, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या रह गया, कैपिटल रैशनिंग, बस दो छोटे छोटे टॉपिक रह गए पांच पांच मिनट के, लिखो कैपिटल रैशनिंग, सारे लिखेंगे कैपिटल रैशनिंग। व्हाट इज कैपिटल रैशनिंग, लिखो जरा। इट इज अ प्रोसेस, हाँ जी लिख लीजिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, व्हेन वी आर शॉर्ट ऑफ कैश, अगर आपके पास कैश कम है तो आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे प्रोजेक्ट्स, अगर आपके पास पैसे की कमी है ना तो आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन करनी पड़ती थी, याद है आपको, हाँ जी, क्या करना पड़ता था आपको, प्रोजेक्ट सिलेक्शन करना पड़ता था, वेरी वेल डन। और जो प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करते थे ना, हाँ जी, जो भी प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करते थे उसके लिए आप रैंकिंग करते थे यूजिंग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अप्रोच। हम लोग क्या करते थे याद है ना, पीआई अप्रोच के बेसिस पर रैंकिंग करते थे, यानी कि सबसे पहले आप क्या करते थे, सारे प्रोजेक्ट का पीआई निकालते थे, फिर जिस प्रोजेक्ट का पीआई सबसे ज्यादा है वो रैंक वन, जिसका थोड़ा कम है रैंक टू, रैंक थ्री, रैंक फोर, याद आ रहा है, यस। और इसके लिए ना हम लोग क्या बनाते थे, याद है, फिजिबिलिटी सेट अप्रोच, हम एक फिजिबिलिटी सेट अप्रोच फॉलो करते थे। फिजिबिलिटी सेट अप्रोच में क्या करते थे, किसी को याद हो तो बताएगा कोई, व्हाट वी यूज्ड टू डू इन फिजिबिलिटी सेट अप्रोच, एनीबॉडी कैन आंसर मी, व्हाट वी यूज्ड टू डू इन फिजिबिलिटी सेट अप्रोच, कम ऑन यार, यू नो दिस, बेटा जानते हो आप, सर सच्ची में कौन बताएगा, फिजिबिलिटी सेट अप्रोच में आप क्या करते थे, व्हाट यू यूज्ड टू डू इन फिजिबिलिटी सेट अप्रोच, कम ऑन यार। सर हम लोग ना डब्बा बनाते थे, प्रोजेक्ट ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, फिर हम चेक करते थे कि हमारा एनपीवी कितना बना और हमारे पास सरप्लस कितना बचा, फिर ये ले लो, ये ले लो, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाते थे। और आपको याद होगा जहां पर एनपीवी सबसे ज्यादा होता था क्या वो बेटर होता था, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट से, बेस्ट कौन सा होता था जहां पर हमारा एनपीवी सबसे हाईएस्ट होता था, जहां पर मेरा एनपीवी सबसे हाईएस्ट होता था ना वो हमारा आंसर होता था। कितने बच्चों को याद है ये चीज, वेरी गुड वेरी गुड, जितने बच्चे बताएंगे फटाफट से, याद है या नहीं, सर याद है बच्चों को, हल्के में मत लेना इनको, वेरी गुड यार। चलो तो ये हमारा फिजिबिलिटी सेट अप्रोच होता था जो कि हमें हेल्प करता था टू फाइंड आउट कि हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट को लेना है और किस तरह से लेना है, ठीक है जी। देखो इसमें भी ना कैपिटल रैशनिंग में भी ना मैं आपको बता दूं कि चांसेस यही है कि आपको थ्योरी में से आएगा, यार इतना मैंने कंसाइज कर दिया ना चैप्टर, इतना कंसाइज कर दिया कि मुझे लगता है कि अब आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सारे लिखो जरा एम आई आर आर, सारे लिखेंगे मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, सारे बच्चे हेडिंग डालो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न,
सबने लिखना है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बच्चों की ना वित्ते उड़नी शुरू हो गई है। नहीं लिखो जरा, आप ऐसे लिखो सारे। मान लो ये जीरो पीरियड है, 1, 2, 3 एंड 4। हर प्रोजेक्ट में मान लो हमारे को मिलेगा 10-10 हजार हर साल, ठीक है, और हमारा इनिशियल आउटफ्लो है 15,000 और मुझे निकालना है MIRR, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। सारे बोलो क्या निकालना है मुझे, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सबने अपना मतलब यूज करना है, क्या निकालना है जल्दी बताओ, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो फॉर्मूला सुन लो क्या होता है, सुन लो एक बारी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, आप सबको बहुत बार मैंने एक चीज बताई है कि प्रेजेंट वैल्यू जो भी ये होता है, क्या ये इन सब की प्रेजेंट वैल्यू होती है, लेकिन मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या कहता है ध्यान से सुनो। वो कहता है कि पहले ना इन सब को ना पहले फ्यूचर में लेके जाओ, पहले इन सब को कहां लेके जाओ, फ्यूचर में। कैसे, देखो इसको यहां तक लाने के लिए 1+i^3 करो, फिर 10,000 को यहां तक लाने के लिए 1+i^2 करो, ये वाले 10,000 को यहां तक लाने के लिए 1+i^1 करो, और ये तो है ही फ्यूचर में, तो इसको ऐसे लिख दो। तो हमने क्या करा, सारे के सारे अमाउंट को कहां ले गए आप, फ्यूचर में ले गए। बोलो सारे अमाउंट को उठा के कहां ले गए आप, फ्यूचर में ले गए। जो भी इसका आंसर आएगा, क्या ये फ्यूचर वैल्यू कहलाएगी इन सभी कैश फ्लोज की, यस और नो? कौन बताएगा ये क्या कहलाएगी, इसका सम क्या कहलाएगा, जल्दी बताओ इसका सम क्या कहलाएगा, क्या ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज कहलाएगा? सारे बोलेंगे सारे ये क्या कहलाएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। अपना अपना मुंह यूज कर लो सारे बच्चे, क्या कहलाएगा ये जल्दी बताओ, फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। सबने बोलना है मेरे बच्चे, क्या कहलाएगा ये, फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। मान लेते हैं ये आ गया, मान मैं लेट कर रहा हूं, मान लो ये आ गया 70,000 रुपए आ गया, तो अब वो पता क्या कहेगा, मॉडिफाइड IRR क्या है पता है, जिस रेट पर ये 70,000 इस 15 के बराबर आएगा ना, वो मॉडिफाइड IRR है। यानी कि 15,000 इज इक्वल टू 70,000 अपॉन 1+i^n। तो ये जो i है ना, ये मॉडिफाइड IRR है। ये समझ आया? बच्चा कहता है सवाल कैसे होगा, देखो सवाल वैसे होगा, 1+i^4 70,000 डिवाइड बाय 15,000, फिर पावर 4 कैसे हटेगी, दो बार स्क्वायर रूट दबा दोगे और फिर उसमें से 1 माइनस कर देना। तो ये देखो पता है आपकी बुक्स में फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इतना भैड़ा फॉर्मूला दिया हुआ है ना, बुक्स कहती है ये फॉर्मूला होता है MIRR का। भाई मेरे को तो समझ आती है, अगर आप डेरिवेशन कर लो ना एक बारी अगर आप डेरिवेशन समझ लो तो भाई इससे आसान कुछ भी ना है जिंदगी में, बता रही हूं मैं तुम्हारे को। इससे आसान कुछ है ही नहीं बाबूजी, द मोस्ट इजीएस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। अब आप चाहो तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहां से दिखा देता हूं, देखो सारे
देखो ईयर 1 2 3 4 चार साल में हमें दिया हुआ है 62, 80, 1,40,000, ठीक है जी, ये हमें दिया हुआ है, और री इन्वेस्टमेंट रेट है 14%। लिखना जरा सारे, 2, 20, 62, 80, 1,40,000। मैं चाहता हूं कि एक बार ही अगर आप कर लोगे तो फिर हमेशा याद रहेगा, बुक कहीं करा देता हूं मैं आपको। 2,20,000, 62, 80, 1,00,000, 62,000, 80,000, 1,00,000, 1,40,000, और हम ये मान के चल रहे हैं कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ना वो हमारा 14% है। दिया होगा ये पेपर में, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 14%, क्वेश्चन में गिवन होगा मेरे बच्चे, ये घबराना नहीं है। तो अब कैसे करेंगे कोई बताएगा? स्टेप नंबर वन में पहले निकालो फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस। कैसे निकालोगे बताना? 62,000 × 1 + 0.14³, 80,000 × 1 + 0.14² 1,00,000 × 1.4² 1, और 1,40,000। बेटा ये सारी फ्यूचर वैल्यूज आ जाएंगी, अब मैं ना डायरेक्ट आंसर ले रहा हूं, इसकी फ्यूचर वैल्यू इन्होंने निकाली है, ये देखो इन्होंने सारी निकाली है ना, ये आई है 449,822, लिख लो 449,822। अब इसका मतलब देखो क्या है, यहां पर है 2,20 और चार साल बाद है 449,822। एम आई आर आर क्या होता है? एक ऐसा रेट जो कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू को 2,20 के बराबर करेगा। तो आप कैसे निकालोगे कोई बताएगा? एम आई आर आर क्या होता है? जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू इसके बराबर करेगा। तो वैसे तो आप अगर आप फॉर्मूला लर्न करना चाहो तो फॉर्मूला कर लो, फोर्थ रूट निकालना है 449,822/220, जो भी आंसर आएगा -1, जो भी आंसर आएगा -1। अब एक बार सॉल्व कर लो जरा इसको, एक बार कितना आंसर आया? 0.1957। देखो इनका भी मैं वो वेरी गुड यार, 0.1957, ब्यूटीफुल। सारे बच्चों का एम आई आर आर आ गया या नहीं आया? चलिए बहुत बढ़िया यार, मेरे ख्याल से समझ में आ गया सबको। सारे बच्चे प्लीज कंफर्म करेंगे, फॉर्मूला यही है बेटा जो मैंने दिया ना, स्क्वायर रूट ऑफ जो भी फ्यूचर वैल्यू आपने निकाली डिवाइड बाय, स्क्वायर रूट तो नहीं बोलेंगे, एनथ रूट बोलते हैं। जैसे अगर लाइफ 4 है तो फोर्थ रूट, लाइफ 5 होती तो फिफ्थ रूट, 10 होती तो 10th रूट। एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए क्या सबको समझ में आ गया है? सारे बच्चे एक बारी कंफर्म करेंगे मुझे, आपको पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, बस इतना बता दीजिए।
चलो ब्यूटीफुल यार। देखो अब आपको ना मैं एक असाइनमेंट अभी के अभी शेयर करूंगा विद इन नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। सबने वो सॉल्व करना है, जो भी डाउट आएंगे वो मैं लूंगा, आप चिंता मत करो। शाम को हम कितने बजे मिल रहे हैं ये बता दो। फोर्थ रूट बेटा दो बार स्क्वायर रूट दबा दो, फोर्थ रूट आ जाता है। शाम को कितने बजे मिल रहे हैं बस ये बता दो आप। शाम को कितने बजे, कितने बजे सबने बताना है बेटा। 8 बजे, पहले 6 बजे, हाँ अनाउंसमेंट 6 बजे है फिर 8 बजे। अच्छा आप किसी ने भी बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हो ना तो प्लीज मेरे नंबर पे शेयर कर दो। अगर आपने सारे नोट सुंदरता से बनाए हो तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए प्लीज, कृपया करके। बहुत लोगों का भला हो सकता है आपके इस छोटे से योगदान से। चलो जी थैंक यू वेरी मच। अगर क्लास अच्छी लगी हो, मजा आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपको शाम को 6 बजे विद अ बिग अनाउंसमेंट और 8 बजे कैपिटल मार्केट।